तो सबसे पहले यहां पर आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि कल हमने क्या-क्या किया था, राइट? तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी सेशन स्टार्ट करते हैं, तो आज हमारा डे 4 है, राइट? तो दिस इज द सेकंड लास्ट डे ऑफ द सेशन। लास्ट जो डे होगा वो मंडे को होगा, कल संडे है तो संडे का ऑफ है, ठीक है? सो आज डे 4 की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? कल डे 3 में हम लोगों ने क्या कवर किया था? सो यस्टरडे, अगर मैं बात करूं कि भाई व्हाट वाज द कवरेज फॉर यस्टरडे, तो आपको ध्यान है हमने सबसे पहले शुरुआत जो की थी वो लूप के साथ की थी, कि व्हाइल लूप और फॉर ईच लूप को किस तरीके से यूज करेंगे। ऑल्दो हमने डे 2 पे भी उसका एक छोटा सा डेमो इंट्रोडक्शन देखा था, बट कल हमने जो स्पेसिफिक बात की थी वो ये थी कि ब्रेक और कंटिन्यू को किस तरीके से यूज किया जाता है लूप में, राइट? अब चाहे वो लूप व्हाइल लूप हो, चाहे फॉर ईच लूप हो, इट डजेंट मैटर। ब्रेक और कंटिन्यू दोनों ही जगह काम करेंगे सेम कॉन्सेप्ट के साथ। ब्रेक विल टर्मिनेट योर लूप एंड कंटिन्यू विल स्किप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय कंटिन्यू, एंड लूप में बना रहेगा। उसके बाद कल हमने जो मेजर फोकस किया था दैट वाज ऑन द लिस्ट, आपको ध्यान आ रहा हो तो लिस्ट के ऊपर हमने मेजर फोकस किया था। लिस्ट को किस तरीके से डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, और उसके बाद हम लिस्ट पर क्या-क्या ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हमने काफी सारा डिस्कशन किया था। तो आपको ध्यान हो कि हमने कल ये भी देखा था कि किस तरीके से लिस्ट को क्लियर करेंगे। कल हमने ये देखा था कि लिस्ट में किस तरीके से किसी वैल्यू को अपेंड किया जा सकता है लास्ट में, राइट? इट एड्स द वैल्यू इन द लास्ट। फिर आपको ध्यान है हमने कल इंसर्ट मेथड भी देखा था कि जिसमें आप चाहें तो इंडेक्स भी देंगे, तो इंडेक्स एंड वैल्यू दोनों चीजें वो हमें मांगता था इंसर्ट के केस में। फिर आपको ध्यान है हम लोगों ने पॉप को भी देखा था, रिमूव का इस्तेमाल भी हम लोगों ने देखा था, हमने उसको सॉर्ट भी देखा था, राइट? तो इस तरीके से कुछ कुछ मेथड्स को हमने देखा था। ये इस तरीके के सारे मेथड्स हमने एक एक करके डिस्कस किए थे। और उसके बाद फाइनली हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, और वो चीज आज भी कंटिन्यू रहेगी, फंक्शंस के बारे में, राइट? तो फंक्शंस में आपको बताया गया था कि किस तरीके से हम किसी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, और उसका नाम कैसे दिया जाता है, पैरामीटर्स कैसे दिए जाते हैं, और किस तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट उसमें काम करता है, और किस तरीके से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और उसी के दौरान आपको मैंने ये चीज भी बताई थी कि किस तरीके से डॉक स्ट्रिंग अपना काम करती है, राइट? तो स्ट्रिंग के केस में हम लोगों ने अभी तीनों वेरिएशंस को कवर कर लिया है, कि सिंगल कोटेशन इज आल्सो अ स्ट्रिंग, डबल कोटेशन इज आल्सो अ स्ट्रिंग, एंड ट्रिपल कोट इज आल्सो अ स्ट्रिंग। बट इन केस ऑफ अ ट्रिपल अ कोट वी कॉल इट एज अ डॉक स्ट्रिंग। एंड डॉक डॉक मतलब डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज के लिए, कमेंटिंग के पर्पज के लिए हम लोग उसको स्पेसिफिकली इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। सो दैट वॉज द डे डे 3। आज हम लोग जिन चीजों के बारे में बात करेंगे उसमें हम लोग सबसे पहले मैं लिस्ट से अभी भी थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा, बट जो स्पेसिफिक पार्ट उसमें समझना है उसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हो सकता है आप लोगों ने पहले इसको नहीं सुना हो, लेकिन ये आसान चीज है और काफी हैंडी रहती है कोड लिखने में। तो एक तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की आज हम लोग बात करेंगे, और फिर हम लोग कुछ इनबिल्ट मेथड्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, मैप पढ़ेंगे, हम लोग फिल्टर पढ़ेंगे, हम लोग रिड्यूस को देखने वाले हैं, और एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं लैम्डा, राइट? वो हम लोग एक बार देखेंगे। और चौथी चीज होगी, कल आपको ध्यान है मुझसे एक टॉपिक छोटा सा छूट गया था, दैट वाज टपल। सो दिस इज द काइंड ऑफ एजेंडा फॉर टुडे। आज आज हमारा एजेंडा इन चीजों को समझने का है, ठीक? सो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये अब हमारी स्पाइडर की स्क्रीन है जो अब आपके डिवाइस पे दिखाई दे रही है, राइट? सो लेट्स फोकस ऑन द एडिटर स्क्रीन नाउ। देखिए, कल हमने लिस्ट को किस तरीके से डिक्लेयर किया था, आपको ध्यान हो तो मैंने एक ना इस तरीके से काम किया था कि लिस्ट वन, और इसमें मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 डाला, 12 डाला, 5 डाला,
सिक्स डाल, ठीक है। सो दिस इज माय लिस्ट। आपको अब खूब पता है कि लिस्ट में स्लाइसिंग उसी कॉन्सेप्ट से काम करती है जिस कॉन्सेप्ट से आपके यू नो स्ट्रिंग्स में काम होता था, और लिस्ट में हम आइटम्स कितने हैं वो चेक कर सकते हैं एलियन मेथड के थ्रू, राइट। हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू का क्या इंडेक्स है वो इंडेक्स मेथड के थ्रू हम लोग जान सकते हैं। सो देयर नाउ वी नो लॉट ऑफ फंक्शंस अराउंड लिस्ट। और लिस्ट में एक और चीज खास बात हम लोगों ने देखी थी कि लिस्ट आर modifiable, they can be modified, they can be changed, right? We can append the value, we can remove the value, we can sort the values. So बहुत सारा काम वहाँ पे हो सकता है। Strings जो होती हैं, they are read only. मैं बार-बार ये चीज़ को emphasize कर रहा हूँ कि strings are read only, they are immutable, but list can be modified, they are mutable, they can be changed, right? तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पे है। Now, सभी लोग अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। फिलहाल सवाल नहीं पूछे, मैं अभी जो चीज बता रहा हूँ उस पर एक बार फोकस करें। सवालों के लिए अलग से आपको टाइम दिया जाता है, तो उस पर एक बार आप सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो ये हमारी हो गई लिस्ट। अब मैं यूजिंग फोर लूप क्या चाहता हूँ, अब समझिए मैं जो बात कह रहा हूँ कि यूजिंग फोर लूप मैं आइटम की एक एक वैल्यू का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। समझ में आया मेरा सवाल क्या है? लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उन सभी आइटम्स का स्क्वायर मुझे निकालना है। तो देखो कैसे काम कर रहा हूं मैं, समझिए सब लोग यहां पे। मैं एक फोर लूप लिखता हूं, फॉर ईच आइटम इन लिस्ट वन, ये एक फोर लूप अप्लाई हो रहा है, फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट वन। मैं सिंपली फिलहाल वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं, मैंने स्क्वायर नहीं निकाला है, अभी स्क्वायर नहीं निकाला है। ये चीज हम लोग कल ही देख चुके हैं कि फोर ईच आइटम इन लिस्ट वन प्रिंट आइटम। आपको मालूम है जब फोर ईच अप्लाई होता है तो आइटम पहली बार 10 होगा, फिर दोबारा लूप चलेगा तो आइटम की वैल्यू 12 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, इस तरीके से काम करता है। लेकिन मुझे तो स्क्वायर निकालना है, राइट। मैं एक वैल्यू क्यों प्रिंट कर रहा हूं? तो स्क्वायर निकालने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, प्रिंट में चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, मैं आइटम इंटू आइटम कर देता हूं। अगर मैं आइटम इंटू आइटम करूंगा तो आइटम का स्क्वायर प्रिंट होने लग जाएगा। सो नाउ दिस वे आई कैन प्रिंट द स्क्वायर वैल्यूज ऑफ ईच आइटम गिवन इन द लिस्ट वन, राइट। बट मेरी कंडीशन तो दूसरी थी। मेरी कंडीशन क्या थी, आपको ध्यान हो तो मैं तो ये कह रहा था कि मुझे सारी वैल्यूज का स्क्वायर निकालना है, और एक एक करके नहीं निकालना है, मुझे वो एक साथ चाहिए। तो एक साथ चाहने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक लिस्ट का इस्तेमाल करूंगा और उस लिस्ट के अंदर लिस्ट वन की जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उन सब का स्क्वायर उसमें रखूंगा, राइट। तो ये काम कैसे होगा, उसके लिए जानिए मैं यहाँ पे क्या है थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। मैं यहां पर एक लिस्ट टू लेने वाला हूं विच इज इनिशियली ब्लैंक, देर आर नो आइटम्स इन द लिस्ट टू, राइट। और अब एक काम करते हैं जो हम लोग यहां पर प्रिंट करा रहे हैं, राइट। ये जो हम प्रिंट करा रहे हैं आइटम इनटू आइटम, वो प्रिंट नहीं कराते हैं, उसकी जगह क्या कर लेते हैं, प्रिंट की जगह मैं अपेंड मेथड को यूज कर लेता हूं, किस में, लिस्ट टू के लिए। तो लिस्ट टू डॉट अपेंड, और क्या अपेंड कर दिया, आइटम इनटू आइटम। तो अब आप देखिए ये लूप किस तरीके से चेंज हो गया कि फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट वन, फाइन, क्या करें, आइटम इनटू आइटम निकालें और उसको कहां पे अपेंड कर दें, लिस्ट टू में अपेंड कर दें। So this way, let's see how things are working now. मैं इसको पूरा select कर रहा हूँ और execute करता हूँ। तो execution तो successful रहा। Let's see अब list two में क्या आया है। तो मुझे कैसे करना पड़ेगा वो चीज़, print list two. So now आप यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ मेरे साथ हुई है। तो आप देखेंगे list two में क्या आ गया है, 100 आया है, 144 आया है, 25 आया है, 36 आया है। क्यों आया है, क्यों, क्योंकि list one में पहला item 10 था तो उसका square 100, सेकेंड आइटम 12 था तो उसका स्क्वायर 144, थर्ड आइटम 5 था तो उसका स्क्वायर 25, एंड 6 था तो उसका स्क्वायर 36। सो दिस इज द वे यू कैन यू नो कैलकुलेट द स्क्वायर वैल्यूज एंड कीप देम इन अ लिस्ट। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? आई थिंक इट वॉज अ वेरी सिंपल वे यू नो कि किस तरीके से हमने लिस्ट टू में सारी वैल्यूज का स्क्वायर निकाल के रख लिया है यूजिंग लूप एंड अपेंड। एक तो लूप का फंक्शन लगाया, लूप की फंक्शनैलिटी को यूज किया और अपेंड मेथड लगाया, और उसकी वजह से लिस्ट टू में हमें सारी वैल्यूज का स्क्वायर मिल गया जो भी वैल्यूज लिस्ट वन में थी। डिड यू गेट द आइडियाज गाइज, टेल मी।
हरमन कह रहे हैं यस, मेघना है सतना से, वो यस कह रहे हैं, समीर लखनऊ से हैं, सो आई थिंक द पीपल गॉट इट. आई थिंक नाउ इट इज क्वाइट यू नो सिंपल. रिपोर्ट नाउ एक काम करते हैं, ठीक है, ये चीज यहां तक हो गई है कि मैंने एक फोर लूप लिखा फॉर ईच आइटम इन लिस्ट वन, और आइटम इनटू आइटम करते हुए राइट लिस्ट टू में उसको अपेंड करते रहे. तो लिस्ट टू इनिशियली में हमारी ब्लैंक थी, तो जब पहली बार लूप चलेगा तो आइटम का स्क्वायर लिस्ट टू में अपेंड हुआ, फिर दूसरी बार लूप यू नो लूप चलेगा तो फिर से आइटम का स्क्वायर निकाल निकाल के वो अपेंड होता जाएगा. अब आप देखो, अब जो मैं कहने वाला हूं उसी चीज को समझेंगे लोग. लाइन नंबर 11 पे वो मैं जो चीज लिख रहा हूं उस पर सब लोग ध्यान दीजिए, क्या लिखने वाला हूं. ये देखो, मैंने यहां पे एक एम्प्टी लिस्ट का साइन दिया है, दिखा, ठीक है. सब लोग सुनो, इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर ही मैं फोर लूप का एक सिंटैक्स लिख रहा हूं. तो कैसे लिख रहा हूं इसको, देखो, फोर ईच आइटम इन लिस्ट वन, ये देखिए, ठीक है. सो मैंने क्या किया, मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ली, उस एम्प्टी लिस्ट के अंदर ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा कि फॉर ईच आइटम इन लिस्ट वन, राइट. अब आइटम का क्या करूं, समझिए इस चीज को जो मैं क्या कह रहा हूं, आइटम का क्या करूं, वो आप फोर से पहले लिख दीजिए, इन जस्ट यू नो जस्ट बिफोर द फोर, यहां पे लिख दीजिए, स्पेस डालिए, यहां लिख दीजिए. आइटम का क्या करना था हमें, आइटम इनटू आइटम करना था, तो मैंने कर दिया आइटम इनटू आइटम. समझो जरा इस चीज को, देखो कितना आसान हो गया इस चीज को. मैंने शुरुआत में एम्प्टी लिस्ट ली, उसके अंदर फोर लूप लिखा फॉर ईच आइटम इन लिस्ट वन, और अब आइटम पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सेम चीज मैंने यहां पर फोर से पहले लिख दी है, राइट. अब इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है. नाउ सी दिस, क्या आउटपुट में वही चीज बन आई जो हमने लूप के थ्रू की थी. देख रहे हैं आप, एक सिंगल लाइन से मैं वही आउटपुट लेके आ गया हूं जो काम मैं यहां फोर लूप में कर रहा था, राइट. देयर यू कैन सी कि किस तरीके से हमने इस काम को किया. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन. व्हाट वी कॉल इट, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, राइट. सो इस तरीके से हमने एक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का एग्जाम्पल देख लिया है कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन किस तरीके से काम कर रहा है, राइट. गाइज, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन जो मैंने अभी समझाया, क्या आपको समझ में आया, एक बार बताएं. काफी सारे लोग कह रहे हैं कि यस 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 यस. एक दो लोगों ने कहा है कि सर एक बार रिपीट कर दिया जाए, ठीक है, रिपीट कर देते हैं, ठीक है. रितु हैं, वो कह रही हैं कि सर एक बार कैसे काम कर रहे हैं, ओके. चलो, पारानिशी से अनूप हैं, वो कह रहे हैं कि सर एक बार. सो मनीष शर्मा कह रहे हैं कि सर ये तो एक सिंगल लाइन में लाइक यू नो फोर लूप के थ्रू हो रहा है, ठीक है. धनंजय चेन्नई से हैं, वो कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में समझा दीजिए, ओके. सो नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट इट, ठीक है. So instead of loop, we can use list comprehension as well. ठीक. Now see one more example. एक बार और देखते हैं, ठीक है. केशव, spam ना करें please. मैंने आपको कल भी बोला था please, you know, ना करें, ठीक है. So now एक और काम करते हैं, दूसरी list लेते हैं, ठीक है. ध्यान दीजिएगा, जब हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज कर रहे हैं तो लिस्ट वन में कोई चेंज नहीं है, लिस्ट वन अभी भी वैसी की वैसी है, सिर्फ आउटपुट में हमें स्क्वायर वैल्यूज मिली थी, ठीक है. नाउ
एक और काम करते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, लिस्ट वन इज इक्वल टू 10, 20, 30 and 40. सो दीज आर द फोर आइटम्स इन द लिस्ट वन. ये फोर आइटम्स हो गए, ठीक है. अब मैं क्या चाहता हूं, मैं लिस्ट के हर आइटम में वन ऐड करना चाहता हूं. व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू ऐड वन इन ईच आइटम इन द लिस्ट वन. आई वांट टू ऐड वन इन द ईच आइटम इन द लिस्ट, राइट. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, लेट्स राइट ए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन फॉर दिस. सी दिस, this is my empty list. Now what to do? For each item in list one, right? And what to do with that? अब item का क्या करना है आपको मालूम है? You have to add one. So वो कहाँ करेंगे? Four से पहले करेंगे. एक space दे देते हैं और क्या लिख देते हैं? Item plus one. So this is exactly the way जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं. ऐसा करने से हर आइटम में वन ऐड हो गया है एंड द आउटपुट यू कैन सी. आप चाहें तो इसका आउटपुट एक नई लिस्ट में भी लिख सकते हैं, राइट. इसका कैसे करेंगे, लिस्ट टू इज इक्वल टू दिस लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन. सो व्हेन आई रन दिस, अब मुझे आउटपुट में नहीं दिखेगा वैल्यूज कहां आ गई है, लिस्ट टू के अंदर आ गई है. सो नाउ यू कैन सी द लिस्ट टू. सो जस्ट अ मिनट. So now you can see the list. ठीक है, इस तरीके से होगा. जनरली लोग आइटम प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, नहीं वो काम नहीं करेगा, ठीक है. तो ऐसे होगा, तो इस तरीके से लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन काम करता है. आई एम गोइंग टू टेक लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, राइट. मैं एक बार लास्ट रिपीट कर रहा हूं विद अ डिफरेंट एग्जाम्पल नाउ. List one, I have few names here. ठीक है, अमर ये मेरा एक नाम हो गया, अकबर ये एक नाम हो गया, और एक नाम हो गया एंथनी. ये यहां पर तीन नाम मैंने अपनी लिस्ट में लिए. So see this, three names are there into the list. ठीक है. Now, I want to calculate the length of each name given in the list one. List one में जितने भी, you know, list one में जितने भी नाम है उन सब का मैं length calculate करना चाहता हूं. How I can do that? Either I can go for a simple for loop mechanism. So simple for loop mechanism would be like this, that for each item in list one, print. इस बार आइटम प्रिंट नहीं करना है, उसकी लेंथ प्रिंट करनी है. तो कैसे निकालते हैं लेंथ, एलियन से निकाल लेंगे और क्या पास कर देंगे, आइटम पास कर देंगे. तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच आइटम. कैन आई राइट ए Can I write a list comprehension for this? Yes, I can write a list comprehension for this. कैसे लिखेंगे? This is my empty list. अब अंदर क्या करना है? एक loop चलाना है कि for each item in list one. And what to do with that? For के आगे क्या लिखना है? Item की length निकालनी है. तो क्या लिखेंगे? Alien method का use करेंगे. और क्या दे देंगे उसको? Item. So this way. We can write a list comprehension to calculate the length of each item given in the list one. So guys, is that clear now? क्या ये चीज clear है? List comprehension के मैंने तीन example लिए हैं. एक example में मैंने square निकाला था, एक example में मैंने plus one add किया था, और एक last example में मैंने हर नाम की length निकाली है. I got the length. So Sainanjit Singh है, वो कह रहे हैं सर clear है. Very good. Thank you. So I think I have taken three examples, so they are good enough, right? ये है.
I'll take a couple of those exam questions from you later on in the session. So please, आप अपना क्या करें, एक notebook पे लिख लिया करिए, right? या system का notepad है, उस पे लिख लिया करिए कि ये सवाल पूछना है जब you know जब हमारा doubt session आएगा, ठीक है? So this is a list comprehension. So list comprehension is exactly what? A shortcut way to kind of implementing a loop. अंदर वैसे एक तरह से लूप मैकेनिज्म ही हुआ है कि हर आइटम के ऊपर आपने कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया है, वो आपने यहाँ पर राइट तो इस तरीके से ये चीज यहाँ पे हुई, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब हम एक नई डायरेक्शन में चलने वाले हैं जहां पे सब लोग कुछ नई चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, तो अब थोड़ा सा ध्यान आगे सभी लोग दें, ठीक है? See this. एक लिस्ट ले रहा हूं मैं फिर से, I'm taking a one list. अब कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, ठीक है? Now, लिस्ट में कुछ वैल्यूज ले रहा हूं, so I'm taking certain values. For example, 1, 2, 3, 4, and 5. So there are 5 items into the list. ठीक है? Done. अब मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, so अब देख लीजिए सब लोग अपने सवाल जवाब छोड़ दीजिए और मेरे स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और मैं जो कह रहा हूं उसको सुने प्लीज, राइट? मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, कल भी हमने बात की थी फंक्शन की। उस फंक्शन का काम सिंपली ये है कि जो भी वैल्यू हम उसको दें उसका क्यूब रूट, क्यूब रूट नहीं मान लेते हैं, उसका क्यूब निकाल के देता, क्यूब रूट छोड़ देते, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं, आई वॉन्ट टू राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ इंटीजर वैल्यू एंड रिटर्न्स द क्यूब, दैट इज माई रिक्वायरमेंट। हाउ टू राइट अ फंक्शन लाइक दैट, सी दिस, मैं डिफाइन कर रहा हूं फंक्शन डेफ एंड लेट्स एफ वन मेरे फंक्शन का नाम हो गया एंड इट टेक्स ए पैरामीटर एक्स और क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न, आपको ध्यान है एक्स क्यूब कैसे निकालेंगे, तो एक्स क्यूब निकालने के लिए या तो मैं ये काम कर दूं एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग यहां पे एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स एंड देन मल्टीप्लाइड विद एक्स। सो दिस इज अ सिंपल फंक्शन डिफाइंड टू कैलकुलेट राइट द क्यूब। आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, पाइथन में डबल स्टार का मतलब होता है पावर और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 लिख सकते हैं, दैट वुड बी मच सिंपलर, ठीक है? कुछ लोगों ने मुझे बोला ऐसा, तो ये चीज यहाँ पे हुई है, तो ये मेरा फंक्शन लिख गया, ठीक। अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूं, फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन का नाम एफ वन और लेट से मैं लिस्ट वन के पहले आइटम का क्यूब निकालना चाहता हूं, तो कैसे दूंगा इसको, लिस्ट वन और क्या दे दूं इंडेक्स में, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया लिस्ट 0 लिस्ट वन के इंडेक्स 0 पर जो भी वैल्यू है उसको एफ वन में पास करो और उससे क्या रिजल्ट आएगा वो हम लोग सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो 1 आया, राइट। सिमिलरली मुझे सेकेंड आइटम का भी निकालना है तो कैसे लिखूंगा, लिस्ट वन और इंडेक्स इस बार 1 कर दिया, तो अब आप देखोगे 2 का क्यूब क्या आ गया, 8 आ गया। तो ऐसा तो कर सकते हैं, हम चाहें तो जरूर नहीं है लिस्ट का ही वैल्यू पास करें, हम कोई और वैल्यू अपनी तरफ से भी पास कर सकते हैं, लेट्स से मैंने 10 पास कर दिया, बिकॉज फंक्शन का काम तो सिंपली ये है कि आप उसको कोई वैल्यू दो एंड इट विल रिटर्न द क्यूब। नाउ अब मैं एक फंक्शन जो इनबिल्ट मेथड है पाइथन का उसको कॉल करने वाला हूं, मैप। नाउ सी दिस, मैप इज ए फंक्शन, ये इनबिल्ट मेथड है, क्या करता है, इट टेक्स 2 पैरामीटर्स। मैप को यूज करना सिखा रहा हूं, मैप मैंने लिख चुका हूं स्क्रीन पर, मैप एक फंक्शन है इनबिल्ट, इट टेक्स 2 पैरामीटर्स,
तो दो पैरामीटर लेगा तो कॉमा की जरूरत पड़ेगी, कॉमा से पहले पहला पैरामीटर पास कर देंगे, राइट। तो पहला पैरामीटर लेता है एक फंक्शन, तो लेट से मेरे फंक्शन को मैं पास करा रहा हूं, मैं जो ऑलरेडी लिख चाहूं एफ वन, वो मैंने फंक्शन यहाँ पे पास करा दिया। कॉमा के बाद ये लेता है कि आपका डेटा क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है। तो फिलहाल हमारा डेटा, लेट से हम इसको देते हैं क्या, देख मेरा डेटा तो कहाँ पड़ा हुआ है, लिस्ट वन में पड़ा हुआ है। समझ में आया क्या किया मैंने, मैप इनबिल्ट मेथड है, क्या पास करते हैं, दो पैरामीटर पास करते हैं, मैंने क्या पास कर दिया f1, कौन सा f1, जो फंक्शन मैंने अभी डिक्लेयर किया है, जो क्या करता है क्यूब निकाल के देता है, और कॉमा के बाद मैंने क्या दे दिया डेटा का सोर्स, मेरा डेटा क्या है। तो मेरा डेटा फिलहाल कहाँ पड़ा हुआ है, लिस्ट वन में पड़ा हुआ है। इसका जो आउटपुट आएगा उसको टाइप कास्ट करने की जरूरत होती है, तो मैं उसको टाइप कास्ट कर देता हूँ लिस्ट में। फिलहाल उसका रीजन मैं अभी नहीं बताऊंगा, आई विल टेक द रीजन लेटर ऑन, राइट, मे नॉट टूडे बट टुमारो आई विल टेक दैट। अब आप देखो इसका आउटपुट क्या आया है, लिस्ट क्या लिखा था हमने, मैप क्या पास किया, दो पैरामीटर f1 कॉमा लिस्ट 1, और उसको टाइप कास्ट कर दिया रिजल्ट को, ठीक है, लिस्ट, एंड सी द आउटपुट नाउ। क्या आउटपुट आया, आप अपनी देख के बताओ मेरी स्क्रीन पर आउटपुट क्या आ रहा है, कैसे इंटरप्रेट किया कि मैप ने एग्जैक्टली क्या किया, क्या आप बताएंगे मुझे कि मैप क्या कर रहा है, what the map is doing, yes। तो बहुत सारे लोग अपना अपना एक तरह से कह रहे हैं कि सर ये तो बिल्कुल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरह हो गया है, यस, राइट। तो बेसिकली मैप ने क्या किया उसको समझ लीजिए, अब अपना रिस्पांस जो है बंद करिए देना, मैं समझ में आ गया कि आप लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। सिंपली मैप का मतलब क्या हो गया है, ठीक, मैप का मतलब ये हो रहा है कि टेक एवरी एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, राइट, टेक एवरी आइटम फ्रॉम द लिस्ट एंड पास दैट आइटम टू फंक्शन एफ वन, और उनका जो भी आउटपुट आ रहा है उनको एक लिस्ट की फॉर्म में हमें दे दो। इसका मतलब मैप क्या कर रहा है, लिस्ट के हर आइटम पर फंक्शन एफ वन को अप्लाई करता है और उनके जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको एक लिस्ट में कंबाइन करके दे देता है। ये मैप का काम है। तो एक तरह से ये भी क्या है, एक तरह से लूप ही है, एक तरह से लिस्ट, यू नो, कॉम्प्रिहेंशन ही है। तो इस तरीके से यहां पर ये चीज हमने की है, ठीक है। सो मैप एक इनबिल्ट मेथड है, इसके बारे में थोड़ी सी और मैं बात लेटर ऑन बताऊंगा, ठीक है। सो यहां पर ये चीज हुई है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक, एक और एग्जांपल कैसे लेते हैं उसको समझिए। मेरे पास फिर से ये लिस्ट है, ये रही लिस्ट वन, मैं इसको नीचे ले आता हूं, ठीक है। यहां पर मैं एक दूसरा फंक्शन लिखता हूं जिसका काम क्या होगा, एक फंक्शन लिख रहा हूं जिसका काम है जो भी स्ट्रिंग हम उसको पास करेंगे उसकी लेंथ रिटर्न कर दे। तो कैसे लिखेंगे वो फंक्शन, डिफाइन f2, एक नया फंक्शन लिख रहा हूं f2, क्या लेगा वो, str1, एक स्ट्रिंग लेगा और क्या रिटर्न कर देगा, लेंथ रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग की। तो इस तरीके से एक फंक्शन हमने लिख दिया है, तो दिस इज हाउ आई राइट द फंक्शन। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, तो दो चीजें हो गई हैं, एक तो लिस्ट वन जिसमें नाम लिखे हुए हैं अमर अकबर एंथनी, ठीक है, और एक मेरी, यू नो, एक फंक्शन मैंने लिख दिया जिसका सिंपली काम क्या है कि जो भी स्ट्रिंग हम उसको पास करेंगे उसका लेंथ रिटर्न करके देगा। और अब मैं मैप को अप्लाई कर रहा हूं, सो आई अप्लाई द मैप नाउ। आपको मालूम है दो पैरामीटर लेता है, इस बार मैं जो फंक्शन पास कर रहा हूं वो एफ टू पास कर रहा हूं, वो पास कर दिया है मैंने, ठीक है, और डेटा कौन सा है, लिस्ट वन पास कर दिया है, और टाइप कास्ट किस में कर रहे हैं, लिस्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहां पे आउटपुट क्या आया,
ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर F2 फंक्शन हमने कॉल किया है, और वो F2 फंक्शन है उसकी खास बात यह है कि अंदर अपने आप में रिटर्न से पहले वो खुद एलियन फंक्शन को कॉल करता है और लेंथ निकाल के वो रिटर्न कर देता है। तो एलियन फंक्शन ने जो चीज रिटर्न की है उसको ही वापस वो रिटर्न कर रहा है। एक तरह से फंक्शन के अंदर हमने एलियन फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। आप नाम चाहे कुछ भी रख लें यहाँ पे, str1 की जगह यू कैन कीप इट x, राइट, यू कैन, दैट्स अप टू यू, राइट। तो इस तरीके से यहां पर जो है ये चीज हुई है, ये मेरी लिस्ट थी, सब लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड ये मेरा फंक्शन है जिसका काम क्या है, लेंथ रिटर्न करना स्ट्रिंग की, और फिर मैंने उसी F2 फंक्शन को और लिस्ट वन को यूज करते हुए मैप को कॉल किया है। एंड नाउ यू कैन सी आई एम गेटिंग द लेंथ ऑफ एवरी आइटम इन द लिस्ट वन। अब यहां से जो चीज एक स्टार्ट होने वाली है उसको ध्यान दीजिए, राइट, सब लोग ध्यान दें। मैं इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी कर रहा हूं, तो लाइन नंबर 48 को कॉपी कर रहा हूं मैं, और मैं 50 पे आ गया हूं, सी दिस। और अब मैं F2 को यहां से हटा रहा हूं, F2 को देखो हटा दिया मैंने, ठीक है। और यहां पे एक कीवर्ड लिख रहा हूं जिसका नाम है लैम्डा, ठीक। लैम्डा अपने आप में आप एक कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक यू नो फंक्शन है, आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लैम्डा के बाद हम यूज करते हैं कॉलन, कॉलन लगा दिया, देख लो आप। कॉलन से पहले और लैम्डा के बीच में तो यह बताना पड़ता है कि यह फंक्शन इनपुट क्या लेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि यह फंक्शन इनपुट तो लेगा str1, ठीक है। और कॉलन के बाद बताना होता है कि यह रिटर्न क्या करेगा, तो रिटर्न क्या करेगा, लेंथ। तो ये लिख दिया मैंने str1, तो भैया ये रिटर्न कर दे लेंथ। आप समझ रहे हैं, यहां पे F2 को रिप्लेस कर रहा हूं, किससे रिप्लेस कर रहा हूं, लैम्डा से। लैम्डा कीवर्ड है, वो लिखा, फिर कॉलन, कॉलन से पहले बताना होता है कि इनपुट क्या लेगा लैम्डा, और फिर बताना होता है कॉलन के बाद कि वो क्या रिटर्न करेगा। तो ये वही काम कर रहे हैं बेसिकली जो हम लोग F2 में बता रहे थे, बट यहां पे उसको डायरेक्टली लिख दिया गया है, राइट। और इसका आउटपुट भी एग्जैक्टली वही होगा जो हम पहले F2 को यूज करते हुए निकाल रहे थे। अब लैम्डा के बारे में कुछ खास बात समझ लीजिए, लैम्डा इज द कीवर्ड इन पाइथन जिसका काम क्या है, जिसका काम है एनोनिमस फंक्शंस डिफाइन करना, एनोनिमस फंक्शंस। ये मैं कीवर्ड लिख रहा हूं एनोनिमस, एनोनिमस फंक्शन मतलब वो फंक्शन जिनका कोई नाम नहीं होता। अगर आप एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं पाइथन में जिसका कोई नाम नहीं हो, अभी तक हमने F1 नाम दिया था, F2 नाम दिया था, बट जब आपको ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जिसका आप कोई नाम नहीं देना चाहते, तो उसके लिए यू हैव टू यूज अ कीवर्ड लैम्डा। दैट मींस लैम्डा इज ए काइंड ऑफ इंडिकेटर टू पाइथन दैट अब हम जो फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं उसका कोई नाम नहीं होगा, उसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इनपुट क्या है और ये बताया जा रहा है कि वो रिटर्न क्या करता है। समझ में आई चीज? तो इस तरीके से हमने लैम्डा का यूज करना भी सीख लिया। अब मैं वापस से चल रहा हूं, फिर से एक लैम्डा का एग्जाम्पल लेता हूं, आपको ध्यान है मैं फिर से इस एग्जाम्पल पे आ रहा हूं जहां पे हमारी ये लिस्ट वन थी जिसमें क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा था F1 जो क्यूब रिटर्न कर रहा है, और फिर हमने मैप कॉल किया था F1 और लिस्ट वन को यूज करते हुए, राइट, जो लिस्ट वन के हर आइटम का क्यूब निकाल रहा था, राइट। क्या मैं इस F1 की जगह एक लैम्डा लिख सकता हूं, राइट, कैन आई राइट अ लैम्डा फंक्शन इंस्टेड ऑफ F1, ठीक है। सो हाउ टू राइट दैट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, सो आई एम जस्ट कॉपिंग इट, आई एम पेस्टिंग इट अगेन, नाउ आई एम रिमूविंग द F1, व्हाट कीवर्ड आई एम गोइंग टू यूज, लैम्डा। नाउ आई हैव टू टेल लैम्डा फंक्शन दैट व्हाट विल इट टेक, सो लेट आई से कि इट टेक्स x एंड रिटर्न्स, क्या रिटर्न कर रहा है, x क्यूब। सो दिस वे दिस इज अ सिंपल नोटेशन ऑफ अ लैम्डा फंक्शन, and the lambda functions are sometimes called as anonymous functions. So lambda is the keyword to indicate that it is an anonymous function. It is taking x
and returning x cubed, the output remains the same. There is no change in the output. So I have taken two examples. I will take आगे भी मैं lambda के कुछ examples लूंगा. But क्या अब आपको map और lambda समझ में आया? Map में तो हम exactly क्या कर रहे हैं? Map का काम simply ये है कि list में जितने भी items हैं, उन सब पर एक-एक करके function apply करना है और जो output आ रहा है उसको दिखाना है list की form में. और कई बार हम function की जगह क्या कर सकते हैं? Directly we can write a lambda function, right? हम अलग से define ना करें function. Without defining a separate function, we can write what we want using lambda expression. I will continue. I will take lambda one more time in the next example. ठीक है? So इस तरीके से यहाँ पर हमने lambda और map map को समझा है. ठीक? Now अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. ये थोड़ा समझने में, डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है? मैप का सिंपली काम है, जैसे मैपिंग होता ना, आपने हो सकता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा हो और उसमें आप पढ़ते थे 1-to-1 मैपिंग, राइट? 1-to-1 मैपिंग का मतलब क्या है? लिस्ट में से एक वैल्यू लो, उस पर फंक्शन अप्लाई कर दो. लिस्ट 2 में से एक वैल्यू लो, उस पर फंक्शन अप्लाई कर दो. फिर नेक्स्ट आइटम लो लिस्ट से, फिर फंक्शन अप्लाई कर दो. फिर लिस्ट से एक आइटम लो, फिर फंक्शन अप्लाई करते जाओ. दैट मींस you have to apply the function which is given with map on every item given in the list. That's it, right? तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ हमारे साथ हुई है. अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और नया चीज़ देखते हैं. So, एक मेलविन है, वो कह रहे हैं कि सर मैप थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे, वापस आप बताएंगे. सो आई विल टेक वन लास्ट एग्जांपल ऑफ द मैप. ठीक है, मैं मैप का एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं. सी दिस, लेट मी टेक अ लिस्ट वन. ठीक, this is the list which is initially blank. ठीक, यहाँ पर I'll take certain values. For example, what values I can take? Values 10, 20, 30, and 40. ठीक. Now what I want to do, मैं लिस्ट के हर आइटम में वन ऐड करना चाहता हूं. What I want to do? I want to add one in every item in the list one. Add one to every item in the list one. उसके लिए what I do? I define a separate function that will add one to every value that we pass it to. So let's define a function def f3. There is a function f3. Okay, it takes value x, and what does it return? It just adds 1 to x. So x plus 1. It just that value. That's it. Right? Now using list 1 and function f3, I'm calling the map. तो मैप को कैसे कॉल करते हैं? टाइपकास्ट पहले ही करके रख लेते हैं. लिस्ट में टाइपकास्ट किया, अंदर क्या पास किया? मैप किया. व्हाट इट टेक्स? फंक्शन. व्हाट इज योर फंक्शन? f3. एंड व्हाट इज द डेटा? लिस्ट वन, यू हैव द डेटा, राइट? सी दिस. टाइपकास्ट क्यों करते हैं? आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, नॉट टुडे. ठीक है, सो नाउ यू कैन सी द आउटपुट. If you see the output, that one is added to every item in the list one. इसका मतलब map क्या कर रहा है? What the map is doing? Map is calling the function f3 for every item in the list one.
call function F3 for every item in the list 1 and give the output. 1-to-1 mapping. Take each item from the list 1, call function F3. Right? Can we write a lambda for this? Right? Can we write a lambda function? Yes, we can write a lambda function for this. How will we write the lambda function? I'm just removing the F3 now. I'll use a keyword lambda. Lambda takes x parameters. X as a parameter, and what it returns? X plus 1. So colon se pehle, what you specify the input, and colon ke baad, what you specify the return, right? So this is the way that we are using the lambda as well. So now this is the way. Okay, so now this way, you know, इस तरीके से हमने इसको यहां पे काम किया. चलिए अब आगे चलते हैं. ठीक है, तो एक तरह से मैप और लैम्बडा का हम यूज जान चुके हैं. आई विल टेक द अनदर एग्जांपल नाउ. I'm taking a list 1 again to explain something. ठीक है, I take the values, let's say 10, 3, 5, 12, and 16. Certain values are there. So randomly I took some values. Tick. Now, I'm going to define a one more function. वो function क्या करता है? देखिए जरा, पहले मैं लिखता हूं उस function को. I'm going to define a function F4. ठीक है, it takes a parameter x. ठीक है, this, and now I'm using a if condition. Now please focus on the function f4, what it does. आप मुझे बताना क्या कर रहा है, आप response देना कि इसने क्या किया है. मैं एक function define कर रहा हूं f4, if x is greater than 10. If x is greater than 10, return true. Else, return false. ठीक है, this is the function F4. What I have written in the body inside the function F4, I'm just making a check. If the value is greater than 10, I will return true. If the value is less than or equal to 10, it will return the false. Right? Now, समझ में आया function F4 क्या कर रहा है? सिंपली ट्रू फॉल्स देगा कि वैल्यू 10 से बड़ी है या 10 से छोटी है. राइट, ये चीज हो रही है. अब मैं एक नए इनबिल्ट मेथड को कॉल करने वाला हूं. मैप को अभी फिलहाल भूल जाइए. आई एम गोइंग टू कॉल अ वन मोर इनबिल्ट मेथड कॉल्ड फिल्टर. अगेन फिल्टर टेक्स टू पैरामीटर्स. राइट, now I pass a function F4 जो अभी अभी मैंने define किया है and my list 1. सब लोग ध्यान से देना. आपको ध्यान है F4 क्या कर रहा था? अगर value x से बड़ी है तो true return करेगा, अगर value 10 से छोटी या 10 है तो false return करेगा. अब आप देखो filter को मैं typecast कर रहा हूं list के अंदर, फिर से जैसा हमने map के case में भी किया था. सब लोग ध्यान दें. एंड नाउ सी द आउटपुट, और आप मुझे बताना क्या हुआ है, क्या आउटपुट आया है. मेरी लिस्ट में वैल्यूज थी 10, 3, 5, 12 एंड 16, और आउटपुट में क्या मिला है? सिर्फ मुझे 12 एंड 16.
आप बताइए आपने इसको कैसे इंटरप्रेट किया। तो समीर कह रहे हैं आई थिंक इट विल रिटर्न ओनली द वैल्यूज विच आर ट्रू। ठीक है, ट्रू वाली वैल्यूज ही आएंगी, ट्रू वाली वैल्यूज ही लेंगे। सो बहुत सारे यश याशी उपाध्याय हैं, वो भी कुछ कह रही हैं, राइट, ट्रू को ही रिटर्न करेगा। तो कह रहे हैं कि इट इज फिल्टरिंग द वैल्यूज, ओनली द ट्रू वैल्यूज हैज बीन फिल्टर्ड। ठीक है, यस, नाउ आई थिंक गाइज आर गेटिंग इट। अब लोगों को पकड़ में आ गया कि क्या हो रहा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्या हो रहा है। फिल्टर, मैं देखिए मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। फिल्टर हमें आउटपुट में वही वैल्यूज दिखाएगा जिनके लिए फंक्शन एफ फोर ट्रू रिटर्न करता है। In the output, we will only get those values for which function F4 returns true. जिन values के लिए function F4 true return कर रहा है, उन्हीं के लिए जो है, उन्हीं की values हमें output में मिलेंगे। तो जिन values के लिए function F4 ने true return किया है, हमें वही values output में मिल रही हैं। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, हो सकता है उन्होंने कभी ये चीज पढ़ी हो, वहां पे होते हैं लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर। फिल्टर का मतलब कई बार सिग्नल से नॉइज को रिमूव करना है या किसी पर्टिकुलर चीज को यू नो फिल्टर आउट करना है, राइट। तो ये चीज यहाँ पे यही हो रही है कि हमें सिर्फ आउटपुट में वो चीजें चाहिए जिनके लिए फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है, बाकी चीज को रोक दो, वो चीजें हम आउटपुट में नहीं चाहिए। फंक्शन में आपको क्या डिफाइन करना है, कैसे करना है, वो आप जानो, बट ध्यान रखना फिल्टर उसी केस में काम करता है जब फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फिल्टर। मैप में तो हर आइटम का आउटपुट आता था, लेकिन फिल्टर में सिर्फ वही आउटपुट आया है जिसके लिए फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये चीज हुई है। आई टेक वन मोर एग्जाम्पल टू मेक यू क्लियर अबाउट द फिल्टर, ठीक है। लेट्स से अगेन आई टेक अ लिस्ट, इसलिए मैंने बोला था कि लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने लिस्ट पर बहुत फोकस किया था। लेट्स से यहां पर मैं राजस्थान की कुछ सिटीज के नाम लेने वाला हूं, ठीक है, जैसे जयपुर, जैसे उदयपुर, ठीक है, जैसे कोटा, कोटा तो ज्यादातर सभी लोग जानते हैं कोचिंग अब है कोटा, एंड देन हमारा बीकानेर, राइट। सो इस तरीके से यहां पर चार सिटीज के नाम है। Now, अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि यूजिंग फिल्टर, ठीक है, यूजिंग फिल्टर आई वॉन्ट टू प्रिंट दो सिटीज ओनली विच हैज पी यू आर इन द नेम। मेरा सवाल समझ लीजिए क्या है, यूजिंग फिल्टर आई वॉन्ट ओनली दो सिटी नेम्स इन द आउटपुट Which has PUR as a substring in the name। मतलब मुझे आउटपुट में सिर्फ क्या क्या चाहिए, मुझे जयपुर चाहिए और उदयपुर चाहिए, ना कोटा चाहिए ना बीकानेर चाहिए। Can I write a filter for this? तो पहले मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता हो। तो फंक्शन लिख लेता हूं, डिफाइन एफ फाइव, यू सी दिस, डिफाइन एफ फाइव, ठीक है, क्या देंगे हम उसको, एक स्ट्रिंग दे देंगे str1, ठीक है, और क्या चेक करेंगे, इफ पी यू आर इन एस टी आर वन, अगर पी यू आर, देखिए पी यू आर को मैंने किस में लिखा है, सिंगल कोट में या डबल कोट में लिखा है, मतलब मैंने स्ट्रिंग बनाया है उसको, अगर वो स्ट्रिंग एस टी आर वन में है तो कह दूंगा ट्रू रिटर्न कर दो, रिटर्न ट्रू, एल्स कह दूंगा फॉल्स, ये लो,
False. ये देख, देखो ये छोटा सा ही तो काम कर रहा है फंक्शन, सिर्फ ये चेक कर रहा है कि भैया अगर पी यू आर एस टी आर वन में तो ट्रू रिटर्न करूंगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो इस तरीके से ये हुआ। और अब मैं क्या कॉल कर लूं, फिल्टर कॉल कर लेता हूं। तो कैसे करते हैं कॉल फिल्टर को, इस तरीके से कॉल करते हैं, क्या फंक्शन का नाम है, एफ फाइव है, वो पास कर दिया। डेटा कहां पे है, लिस्ट वन में पड़ा है। तो इस तरीके से यहां पर आप देखेंगे आउटपुट में क्या आया, लेट्स सी। ओनली गॉट द जयपुर एंड उदयपुर, राइट, नॉट वेमला, नॉट लाइक दैट। समझ में आए? सो इन क्या है, इन इज ए मेथड जिसको मेंबरशिप फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेंबरशिप फंक्शन कहते हैं इसको, राइट। एंड मेंबरशिप फंक्शन जस्ट टू चेक कि वो पी यू आर एस टी आर वन में है या नहीं है। अब पी यू आर एंड एस टी आर वन, देखो एक खास बात यह है कि पी यू आर एस टी आर वन अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। सो वॉट आई कैन से, instead of writing this complete if else, I can directly return like this, return pur in str1, क्योंकि pur str1 अपने आप में ही एक expression है। जैसे console पे मैं लिख देता हूं, console पे देखो मैंने लिखा pur in जयपुर, ध्यान दो इसको जरा, तो क्या return करेगा, अपने आप ही ट्रू रिटर्न कर देगा। या फिर मैंने लिख दिया पी यू आर इन बीकानेर, तो क्या रिटर्न कर देगा, अपने आप ही, आपको इफ एल्स की जरूरत ही नहीं है, फॉल्स। इसका मतलब मेरा काम सिर्फ इस फंक्शन से ही हो जाएगा। अब आसान है लैम्डा लिखना इसके करस्पॉन्डिंग, क्यों, अब इफ एल्स की जरूरत ही नहीं है। तो अब मैं इसका लैम्डा कैसे लिख सकता हूं, देखो जरा लैम्डा कैसे लिख देंगे, सी, इसको कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट किया, एफ फाइव को हटाया, लैम्डा को लिखा यहां पर, क्या लेता है लैम्डा, एस टी आर वन लेगा, और रिटर्न क्या कर देंगे, पी यू आर इन एस टी आर वन। सो दिस इज अ सिंपल लैम्डा एक्सप्रेशन टू हैंडल अवर रिक्वायरमेंट। डिड यू गेट द आइडिया गुंजन? तो इस बार देखो हमने फिल्टर को यूज करना सीख लिया है, उसमें भी लैम्डा को यूज करना सीख लिया है, राइट। तो इस तरीके से हमने यहां पर कुछ चीजें सीखी, ठीक है। अब एक और चीज, मेरी रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि साहब नहीं, मुझे उदयपुर और जयपुर नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिनमें पी यू आर नहीं आता है। समझ में आई चीज, सिंपल है, मैं इस बार इनकी जगह क्या लगा दूंगा, नॉट इन, राइट। मैं क्या लगा दूंगा इसका, नॉट इन का मतलब अब मुझे सिर्फ ट्रू वैल्यूज उन सिटीज के बारे में रिटर्न करेगा जिनमें पी यू आर नहीं आता है, नॉट यूज करने लग गया हूं मैं। सो नाउ आई हैव टू अगेन एग्जीक्यूट दिस फंक्शन, राइट, और अब देखेंगे इस बार आउटपुट में क्या आएगा, कोटा एंड बीकानेर आएगा। सो दिस इज द वे, यू नो द वे यू कैन हैंडल इट, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैप रिड्यूस फिल्टर। अब एक और मैं चीज ले रहा हूं यहां पर, अब मैं रिड्यूस के बारे में आपको बताने वाला हूं। यस अश्विनी, so now I'm going to discuss about last function reduce. क्या करता है देखना जरा। सबसे पहले तो reduce directly available नहीं है, for that सबसे पहले तो reduce directly available नहीं है, the reduce is available in one library called func tools, तो पहले उसको import करना पड़ेगा, तो import func tools, func tools, oh. तो ये मेरे पास फंक टूल्स है, ठीक है। नाउ इसमें अब जो है मैं काम कर रहा हूं, मैं एक लिस्ट कॉल कर रहा हूं जिसमें कुछ वैल्यूज लूंगा, लेट्स से वन,
9 एंड लेट्स से 10। ये मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक। ध्यान दीजिए, अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करने वाला हूं इस बार फिर से F6 के नाम से, एज फंक्शंस बहुत डिफाइन हो गए। नाउ दिस टाइम फंक्शन F6 टेक टू पैरामीटर्स X एंड Y, इट टेक्स टू पैरामीटर्स X एंड Y एंड रिटर्न्स X प्लस Y। तो ये देखो ये करता है, मतलब क्या कर रहा है ये फंक्शन, दो वैल्यूज को ऐड कर रहा है। ये कल भी लिखा था हमने फंक्शन इस तरीके सा, X और Y दो वैल्यूज देंगे and it will add the two values and return them, return the summation. Now I'm going to call the reduce. तो reduce को call कैसे करेंगे? Reduce कहाँ पड़ा हुआ है? Func tools में है, तो func tools लिखेंगे पहले, तो func tools dot reduce, क्योंकि library के अंदर का function है ना reduce, तो जैसे math में dot लगाया था math dot sqrt वैसा ही है, या list में लगाते हैं list one dot clear, list one dot sort, वैसा ही है यहाँ पे। और क्या call किया इस बार? फिर से दो पैरामीटर लेगा, तो फंक्शन का नाम हो गया F6 और क्या दिया डेटा में, लिस्ट वन। सी दिस, व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट इज 55। बता सकते हैं क्या किया है रिड्यूस ने? नेहा सिंह इंदौर से, वो कह रहे हैं एडिशन कर दिया सारी वैल्यूज का, सारी वैल्यूज मतलब इट एडेड एवरीथिंग, added all the values, ठीक है। अब आप समझ लीजिए काम कैसे हुआ है, आप समझ लीजिए ये काम कैसे हुआ है। मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी लोग हैंड टू हैंड रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे ही मैं कोई सवाल पूछता हूं। इसका मतलब है कि लोग सो नहीं रहे हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब मैं कुछ ठीक ठाक ही बता रहा हूं, मैं समझा पा रहा हूं आपको, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, समझो इस चीज को कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली रिड्यूस कैसे काम कर रहा है उसको समझिए। रिड्यूस में जो फंक्शन F6 है वो दो पैरामीटर ले रहा है, आपको पता है। तो शुरुआत में पैरामीटर की जो वैल्यूज है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज, वो कहां से गई? यहां से। तो एक्स को गया वन और वाई को गया टू। फिर एक्स प्लस वाई जो रिटर्न उसने किया है, तीन रिटर्न करेगा, वो तीन वापस से एक्स में चला जाएगा और वाई की वैल्यू कहां से आएगी? नेक्स्ट वैल्यू लिस्ट से। फिर तीन और तीन छह हो गए, वो छह वापस से एक्स में चला गया और फिर वाई की वैल्यू कहां से आई? लिस्ट से, चार आ गया। फिर चार और छह दस ऐड हो गए, फिर लेस, फिर वो वापस से एक्स में चला गया और वाई की वैल्यू फिर कहां से आई? लिस्ट वन से। एंड दिस वे यू गॉट द वैल्यूज एंड ऑल द वैल्यूज गॉट एडेड। अब सवाल ये आता है कि सर ये मैप रिड्यूस फिल्टर का इस्तेमाल क्या है, यू नो व्हाट इज द यूज? समझ में आ गया काफी हद तक, ये लूपिंग और एक तरह से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का ही एक तरह से वेरिएशन है, डिफरेंट फॉर्म है। अब ध्यान से सुनो ये कहानी क्यों सुनाई जा रही है आपको, व्हाई, ठीक है। मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं रिड्यूस कैसे काम कर रहा है। देखो यहां पे इसको एक काम करता हूं, लिस्ट वन को मैं यहां लिख देता हूं, I take the value here. So just mess. List one की जगह मैंने सीधी list यहाँ ही लिख दी, ठीक है। अब समझो यहाँ पे क्या कर रहा है ये F6, क्या कर रहा है? दो parameters लेता है X and Y. तो X में गया one और Y में गया two. उनका जो addition आया तीन, वो वापस X में चला गया और Y में क्या गया? ये वाला तीन. फिर जो addition आया वो X में चला गया और Y में क्या गया? ये वाला four. फिर जो addition आया वो फिर से X में चला गया और Y में क्या गया? ये वाला five. फिर से जो एडिशन आया वो एक्स में चला गया और वाई में क्या गया? ये वाला सिक्स। तो इस तरीके से एक एक करके सारी वैल्यूज ऐड होती जा रही। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आपको एक्स प्लस वाई की जगह क्या करना पड़ेगा? एक्स इंटू द वाई, राइट। और एक्स इंटू वाई करने से इस बार वैल्यूज एड ना होकर क्या हो जाएंगी? सारी की सारी, ऑल द वैल्यूज वुड बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ, ठीक है। Yes, x value is the output of x and y. ठीक है। Now,
तो फंक टूल क्या था, फंक टूल जो हमने यूज किया था, इट वॉज जस्ट ए लाइब्रेरी, जैसे मैथ लाइब्रेरी था वैसा ही एक लाइब्रेरी है, एंड इट हैज लॉट ऑफ फंक्शंस। क्या क्या फंक्शन उसमें अवेलेबल है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई DIR, और क्या लिख दूं यहाँ पे, फंक टूल्स लिख दूं, एंड दिस वे यू कैन सी हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। ठीक है, सो ये चीज हमारे पास यहाँ पर हुई, सो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस आर देयर, आई रिड्यूस इट देयर। ठीक, नाउ ध्यान दीजिए, जो मैप रिड्यूस है ज्यादातर ये डेटा एनालिटिक्स में यूज होता है। सो मैप रिड्यूस, ठीक है, मैप रिड्यूस इज यूज्ड इन डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स अपने आप में एक अलग दुनिया है, तो उसके बारे में भी फिलहाल ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, आपने बिग डेटा की हैंडलिंग के लिए एक टूल का नाम सुना होगा, हडूप। हडूप इज प्योरली बेस्ड ऑन मैप रिड्यूस फंक्शनैलिटी। ठीक है, स्पार्क का नाम सुना होगा, फिर से बिग डेटा को हैंडल करने के लिए। बिग डेटा का मतलब लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए, अगेन इट वर्क्स ऑन मैप रिड्यूस प्रिंसिपल। सो मैप रिड्यूस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर बिग डेटा की हैंडलिंग में या डेटा एनालिटिक्स में पहले मैप अप्लाई होता है और फिर उसके बाद रिड्यूस अप्लाई होता है। आपने देखा होगा रिड्यूस हमेशा और हमेशा सिर्फ एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा, जबकि मैप क्या कर रहा था, 1-to-1 करस्पॉन्डिंग टू एवरी आइटम द लिस्ट वी वर गेटिंग द आउटपुट। बट इन केस ऑफ अ रिड्यूस, राइट, बट इन केस ऑफ अ रिड्यूस इट ओनली रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। ये जो मैंने डेफिनेशंस यहाँ पे छोटी छोटी ली हैं, वो मैंने अपनी एक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से लिख दी हैं। प्रोजेक्ट के हिसाब से आप रिड्यूस में कुछ भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के हिसाब से आप मैप में कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट के हिसाब से आप फिल्टर में कुछ भी डाल सकते हैं। तो बेस्ड ऑन योर बिजनेस लॉजिक, बेस्ड ऑन योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, यू माइट हैव टू चेंज कि रिड्यूस में क्या रिटर्न करना है, मैप में क्या रिटर्न करना है, फिल्टर में क्या रिटर्न करना है, राइट। तो इस तरीके से हमने मैप रिड्यूस और इन सब चीजों को जो है यहां पर देखा है। नाउ आज का जो लास्ट एक टॉपिक है वो क्या था, टपल। आपको ध्यान है टपल कल एक रह गया, तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल टपल का लूंगा और फिर कल थोड़ा सी और उसके बारे में बात कर लेंगे। मैं आज जस्ट एक डिफाइन करके छोड़ देता हूं इसको, ठीक है। टपल को कैसे डिफाइन करते हैं उसको समझ लीजिए। तो टपल वन इज इक्वल टू, टपल को डिफाइन किया जाता है ऐसे पैरेंथेसिस से, और क्या लिख दिया इसमें, 1, 2, 3, 4। कल लिस्ट कैसे डिफाइन की थी याद आ रहा है, लिस्ट के लिए तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए थे, पर टपल के लिए क्या यूज कर रहे हैं, स्मॉल वाला पैरेंथेसिस। देखें टाइप क्या है टपल वन का, टपल इज दिस। कल हमने लिस्ट को देखा था कि लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड, बट ध्यान दीजिए टपल्स आर रीड ओनली। जैसे स्ट्रिंग में रीड ओनली होता है वैसे ही टपल्स भी रीड ओनली होते हैं। सो टपल्स आर रीड ओनली, इसका मतलब ना तो टपल से आइटम रिमूव कर सकते हैं ना टपल में आइटम ऐड कर सकते हैं। तो एक तरह से टपल का क्या फायदा है, टपल का फायदा ये हो गया, एक तरह से कांस्टेंट वैल्यूज अगर चाहिए आपको जो कभी भी चेंज ना हो तो क्या कर सकते हैं, टपल यूज कर सकते हैं, इम्यूटेबल हो गए। तो टपल स्ट्रिंग की तरह ही इम्यूटेबल है, इट कैन नॉट बी मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से एक चीज हुई है, और इसीलिए क्योंकि मॉडिफाई नहीं किया जा सकता तो लिस्ट जितने ऑपरेशंस टपल पर नहीं होंगे, टपल पर क्या क्या कर सकते हैं वो देखो जरा DIR मेथड से पता कर लेते हैं, आपको मालूम चल जाएगा। टपल दो ही मेथड है, काउंट और इंडेक्स। तो काउंट तो क्या बताता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार आई है, और इंडेक्स क्या बताएगा कि किस वैल्यू का क्या इंडेक्स है। तो कैसे कॉल कर सकता हूं, टपल वन डॉट इंडेक्स, और मुझे पता करना है कि 4 का क्या इंडेक्स है,
देख लें, थ्री दे दिया कि फोर का इंडेक्स है तीन। अगर ये चार चार बार आ रहा होता या दस बार आ रहा होता तो जहां पहली बार आया वो इंडेक्स रिटर्न होता, फर्स्ट अकरेंस ही रिटर्न होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पे एक लास्ट एक्सप्लेनेशन है टपल का, उसको सब लोग समझिए। अभी वापस से थोड़े सा कॉन्सेप्ट हिलेगा एक बार। मैं देखो टपल डिफाइन कर रहा हूं, टपल टू, टपल टू, ठीक है, और इस बार मैंने एक वैल्यू लिखी है तीन। ठीक है, टीपी टू इज इक्वल टू थ्री। आप बताएंगे ये टपल बनेगा या नहीं बनेगा? क्या ये टपल डिफाइन हुआ है लाइन नंबर 125 पर? इज इट अ टपल? कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग नो नो कह रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन से तो ऐसा लग रहा है कि एक टपल है, बिकॉज हमने इसमें पैरेंथेसिस का या स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया है, राइट? लेकिन ये टपल नहीं है, ये इंटीजर वैल्यू ही है। तो अगर सिंगल वैल्यू ऐसे देंगे तो वो इंटीजर मानी जाएगी। अगर आप सिंगल वैल्यू के साथ टपल देना चाहते हैं तो आपको बाद में एक कॉमा लगा के छोड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू लीव कॉमा आफ्टर द वैल्यू, उसके बाद ये टपल हो जाएगा। तो देखिए, पहले इंटीजर आ रहा था और अब क्या हो गया, कॉमा लगाते ही टपल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम टपल के एक एग्जाम्पल में टपल का कल फिर से लूंगा, क्योंकि ज्यादातर जो लास्ट की चीजें होती है मैं उसको वापस से वो करता हूं मैं आगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर, और जब इसको प्रिंट कराएंगे तो कोई कॉमा नहीं आएगा, ध्यान रखना, राइट? आप प्रिंट कराओगे टीपी टू तो वहां पर, ठीक है, तो आप इसको प्रिंट कराओ। नाउ यू जस्ट सी थ्री, ओह या कॉमा इज देयर शैनन। ठीक है, सो यहां पर इस तरीके से ये काम हुआ है। अब दो चीजें मैं आपको बता दूं, 5 मिनट के ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्लीज आप बताइए कि आज का सेशन समझ में आया या नहीं आया। आया आया आया, परफेक्ट, ओके, यस 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 यस, क्लियर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ऑसम, बहुत सारे कुछ कुछ लोग ले रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने जरूर कहा है कि कंफ्यूजन है सर कुछ चीजों में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पर वीडियो जब आएगा तो उसको भी देखना है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो कल कोई क्लास नहीं है, देयर इज नो क्लास टुमारो। ठीक है, क्लास नेक्स्ट जो क्लास है वो मंडे को है। ठीक है, कल संडे है, देयर इज नो क्लास। वैसे तो आजकल सारे दिन ही संडे है, घर पे रहना आदमी को, बट कल क्लास नहीं है। ठीक है, बट मंडे को क्लास है, वही सेम 5 बजे। ठीक है सर, ट्यूसडे का भी अनाउंस कर दीजिए आप, ट्यूसडे का एक्स्ट्रा क्लास के बारे। हाँ, और एक जैसा मैंने कल आपको बताया था कि ट्यूसडे को हम एक एडिशनल सेशन लेंगे ट्यूटोरियल, जिसमें सिर्फ हम कोड चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। वी विल ओनली डिस्कस द कोड चैलेंजेस ऑन ट्यूसडे। ठीक है, कल क्लास नहीं है। ठीक है, अब मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं गाइस। ठीक है, एक और सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सब लोगों से मैं वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिसने अभी तक एक रिव्यू नहीं दिया है प्लीज रिव्यू दे दें। मैं कल भी मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी तो काफी सारे लोगों ने रिव्यू दिया था, और जो कल मिस रह गए हैं, जो नहीं देना चाहता उसके लिए कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। आराम से, इट्स नॉट ए मैंडेटरी, बट अगर आप दे सकते हैं तो जरूर एक बार अपना रिव्यू जरूर दें। सो यहां पर मैं आपको रिव्यू का लिंक भेज रहा हूं। सो गाइस, छवि शर्मा वो कह रहे हैं सर वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा मुझे। सो जो लोग ऑलरेडी रिव्यू दे चुके हैं उनके लिए थैंक्स, और जो आज देने वाले हैं उनके लिए ऑलरेडी एडवांस में थैंक।
मैं बीच बीच में 2 मिनट के लिए बोलता रहता हूँ इसके बारे में, ठीक है। और अब मैं 5 मिनट का ब्रेक लेने वाला हूँ, ठीक है। समीर है लखनऊ से, वो कह रहे हैं कि सर एक लखनऊ में आप अपनी ब्रांच खोल लीजिए। समीर, थैंक यू समीर, देखेंगे बिल्कुल। वैसे आजकल सारी एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, अगर मैं ऑनलाइन एजुकेशन से आपको वही एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, फॉस की टीम वही एक्सपीरियंस दे सकती है जो आप फिजिकल क्लासरूम में लेते हो, तो फिर ऑनलाइन ही ठीक है। कम से कम घर में आराम से बेडरूम पे बैठ जाओ और कैमरा ऑन कर लो कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ या क्या कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा है, राइट। तो इस तरीके से जो है जो ये है, अब सिल्वेस्टर सर आपको आज के असाइनमेंट्स के बारे में जो है बताएंगे। सर असाइनमेंट एक बार खोल के चले जाइए आप, और मैं 5 मिनट का ब्रेक लेने जा रहा हूँ। सर असाइनमेंट को एक बार खोल दीजिए आप। सर एक बार, सो ये आपके सर असाइनमेंट कौन सा वाला है सर, बताएं मुझे। आइए नीचे आइए, डे फोर का होगा, 7-8 वाला, 8 वाला सर। और करिए थोड़ा और ऊपर और बस, और ऊपर बस बस, काफी है सर, काफी है। एक ही है क्या आज? हाँ एक ही है सर, काफी है आज एक, तो ये थोड़ा सा भारी लग रहा है लेकिन भारी काफी भारी है आज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, होप आप लोग सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपने असाइनमेंट्स को, कर रहे नहीं कर रहे असाइनमेंट्स को? आप असाइनमेंट्स को बड़े पॉजिटिव तरीके से लीजिए, यही तरीका है असाइनमेंट्स का, जिससे आप अपने स्किल्स को और सुधार सकते हो। और आप देखोगे डे 1 से लेके डे 4, आज 4th दिन है, और हम लोगों ने आपसे एक गारंटी दी थी आप लोगों को कि सबको हम लोग स्किल जरूर सुधार देंगे, है ना। और वो स्किल सुधारने का एक प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस कौन सा है? कोड चैलेंजेस या असाइनमेंट के थ्रू ही है। आज का थोड़ा सा टिपिकल कोड चैलेंज है, मैंने वैसे लिख के मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, है ना। मैं आज का कोड चैलेंज बताता हूं आपको। आज का जो कोड चैलेंज है उसका नाम है बुकशॉप, ठीक है। मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी को आप कोरिलेट करोगे, जब आप लोग क्या करोगे, आप इस चीज को असाइनमेंट को सॉल्व कर पाओगे। और आप लोगों को जो असाइनमेंट सॉल्व करना है उसका जो फाइल बनाओगे उसका नाम होगा book_shop1.py। आया समझ में? तो जो असाइनमेंट है उसका नाम है बुकशॉप, और जो आप लोगों को फाइल बनानी है उसका नाम होगा book_shop1.py। इमेजिन करो आप किसी बुक स्टोर पे गए हो, आपके जो भी सिटी है, चाहे जलंधर है, चाहे इंदौर है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे कोई ईस्ट साइड पे आ जाओ, या चेन्नई आ जाओ, बैंगलोर आ जाओ, जहां भी सिटी में आप लोग रहते हो, अज्यूम करो कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं तो कम से कम आप उसको सुनिए। आप चैट पे बार बार मैसेजेस मत दीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश तो करिए, है ना। तो जस्ट अज्यूम करिए कि आप जो है अपने ही सिटी के अंदर किसी बुक शॉप के दुकान पे गए, ठीक है, और आप लोगों ने कोई 4 किताबें आप लोगों ने खरीदी है, ठीक है। और जब वो 4 किताबें आप लोगों ने खरीदी है तो वो आप लोगों को एक प्रिंट देता है आपके बिल का, है ना। उस बिल में क्या लिखा होता है? आपकी इंफॉर्मेशन होती है। उसी तरह से वो बुकशॉप वाला जब अपने घर जाता है, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये बुकशॉप वाला जब अपने घर जाता है उससे पहले वो रोज कुछ अकाउंटिंग करता है। उस अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को मैंने आप लोगों को प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को बनाना है, समझिए। अब देखिए मेरे जो कर्सर है क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर नंबर, बुक टाइटल, ऑथर, क्वांटिटी, प्राइस पर आइटम,
इसका मतलब ये जो अपने पास टॉपिक है ऑर्डर नंबर, वो ये बता रहा है कि ये ऑर्डर नंबर था, किताब कौन सी थी लर्निंग पाइथन, ऑथर कौन था मार्क लुट्ज, क्वांटिटी कितनी बिकी उसके अंदर चार, और प्राइस ये था। आया समझ में? उसी तरह से जो दूसरा ऑर्डर था वो था 98762, बुक का टाइटल था प्रोग्रामिंग पाइथन, उसका कोई ऑथर था, क्वांटिटी 5 थी और प्राइस पर आइटम था 56.80। इसी तरह से तीसरा ऑर्डर जो था वो था 77226, हेडिंग फर्स्ट पाइथन बाय पॉल, क्वांटिटी 3 बिकी दिन में, प्राइस था 32.95। और चौथा जो ऑर्डर था वो कौन सा था, 88112, कुछ जर्मन लैंग्वेज में लिखा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इन पाइथन 3, उसका ऑथर, क्वांटिटी और प्राइस पर आइटम। अब ध्यान से समझिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है और इस इंफॉर्मेशन को कहीं पे स्टोर करना है ना, इस इंफॉर्मेशन को आपको स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके आप लोग को आउटपुट इस तरीके से दिखाना है। ध्यान से देखिए, जब मेरा कर्सर घूम रहा है आउटपुट कैसा दिखाना है, नोट किया आप लोगों ने आउटपुट कैसे दिखाना है? ये तो लिस्ट दिख रही है, लिस्ट है, ये तो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर क्या है, टपल है, सिंपल है, टपल है। सो मैं इसको बोल सकता हूं लिस्ट ऑफ टपल्स, क्या बोलूंगा इसको, लिस्ट ऑफ टपल्स। अब आप देखिए आउटपुट में बोल भी रहा हूं सक्षम, उसमें ध्यान दीजिए, जो आउटपुट आप लोगों को दिख रहा है ना, उस आउटपुट पे ध्यान दीजिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, देखो ब्रैकेट ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को, कौन से ब्रैकेट्स हैं, लिस्ट के हैं। सो आपको जो प्रिंट करना है वो क्या प्रिंट करना है, लिस्ट ऑफ टपल्स, और लिस्ट में कितने आइटम होंगे, जितने टोटल ऑर्डर्स हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे चार आइटम है, 1 2 3 4, और ये टपल में क्या स्टोर हो रहा है, ऑर्डर आईडी और टोटल अमाउंट। अब आप देखिए 40.95 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 163.8। दूसरा ऑर्डर है 98762, 98762 कितने था आइटम, 5 आइटम, पर आइटम कितना था 56.80, तो कितना आया 284। तीसरा क्या है 7726, 7726 कितना है वो, 3 आइटम है इनटू 32.95। और चौथा कौन सा है 88112, और कितने आइटम है उसमें, 3 आइटम है, प्राइस कितना है 24.99, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया। क्या आप लोग को समझ में आया क्या आउटपुट चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए लिस्ट ऑफ टपल्स, और हर एक टपल में क्या होगा, क्वांटिटी और प्राइस को आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। गौतम जितना पढ़ाया आपको उसके हिसाब से बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास है कि आप लोग इसको कर पाओगे आप लोग, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट है, ये तो पार्ट वन है, तो आपको ऐसा आउटपुट दिखाना है। दूसरा नीचे वाला आउटपुट देखिए, सबसे लास्ट वाला आउटपुट, आपको दो आउटपुट देने हैं। दूसरे में ये है कंडीशन कि अगर प्राइस, टोटल प्राइस उस ऑर्डर का 100 से कम आता है तो 10 रुपए उसमें ऐड करने हैं। तो देखिए ये तो 163 है, तो ये 163 यूं का यूं आ जाएगा, ये 284 है तो 284 ऐसे ही आ जाएगा, पर 98.85 है तो क्या है, इट इज लेस देन 100, तो कितना ऐड करना है, 10 रुपए ऐड करने हैं, तो अपने 10 रुपए ऐड किए तो क्या हुआ, 108। चौथे वाले में कितना है, 74.97, तो 10 ऐड कर दिया, 84.97। ये तो था प्रोग्राम।
अब आप लोग काफी जो मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको अब मैं ले लेता हूं एक एक करके। मेजॉरिटी लोग ये पूछ रहे हैं क्या मुझे इस प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेना है यूजर से? यूजर से इनपुट नहीं लेना है आपको, वापस मैं दोहरा रहा हूं, मुझे इनपुट नहीं लेना है। तो क्या करेंगे, मैं इस डेटा को जो मेरे पास ऊपर वाला डेटा है उसको मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है ना। कैसे करता हूं मैं आपको चैट पे सब लोगों को लिख के दे रहा हूं कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने सारे डेटा को आपको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है, सब लोग चैट पे देखिए मैंने आपको दिया है लिस्ट ऑफ लिस्ट, हाथ से लिख के मैंने एक ऑर्डर्स करके लिस्ट बनाई है और उसके अंदर क्या किया लिस्ट ऑफ लिस्ट करा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए एक हिंट दे रहा हूं आपको, सबसे पहले आप लोग फॉर लूप लगा के इसको सॉल्व करिए, डू नॉट यूज मैप या फिल्टर। और एक बार आप लोगों ने इसको फॉर लूप लग के कर लिया है, समझ लिया है ना, इसका सोल्यूशन फॉर लूप से निकाल दिया है आपने, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, जहां जहां फॉर लूप आ रहा है उसको आप लोग कन्वर्ट कर दो या तो मैप में या फिल्टर में। एक और हिंट देता हूं, पहला आउटपुट को अचीव करने के लिए मैप काम में आएगा या फिल्टर भी आ सकता है, और दूसरे के अंदर भी मैप या फिल्टर। इसका मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सर ने आपको आज सिखाया है मैप या फिल्टर, ये दोनों टेक्निक्स काम में आई। आया समझ में सबको? थोड़ा सा टिपिकल है पर इसका सॉल्यूशन का एक तरीका है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को फॉर लूप से सॉल्व करिए विदाउट यूजिंग मैप एंड फिल्टर। जब आप लोग इसको सॉल्व कर दें एक बार सिंपल फॉर लूप से, तो फॉर लूप को हटा दीजिए और किससे रिप्लेस करिए, मैप के कॉन्सेप्ट से या फिल्टर के कॉन्सेप्ट से। आया समझ में सबको? इस तरह से अगर आप लोग करोगे तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार सर आए तो मैं एक बार कर दूंगा, सर के सिस्टम पे शेयर हो रहा है ना चिराग, ठीक है। एक बार सर आ जाए तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके इसका सॉल्यूशन मैं एक बार चला के दिखा दूंगा। वैसे यार देखा जाए तो जरूरत नहीं है, जो आउटपुट में आपको आगे स्क्रीन पे दिख रहा है वही आउटपुट चाहिए मुझको, चलाने की जरूरत भी नहीं है चिराग, समझिए है ना, जरूरत भी नहीं है मुझे आउटपुट को रन करने की। मैंने आउटपुट ऐसे भी मेरे क्वेश्चन के अंदर लिख के दिया है आप लोगों को कि किस तरह से आउटपुट दिखना चाहिए। समझ पाए आप लोग सब लोग? चिराग एक बार काम करना, आप लोग जो मेरा वीडियो है यूट्यूब पे आ जाए इसको वापस देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ साकेत ऐसा कर सकते हो, हिंट दे दिया मैंने, सबसे पहले हिंट यह है कि आपका जो डेटा है वो मैंने आपको स्काइप पे सॉरी एवरीवन में मैंने आपको चैट पे दिया है आपको, ठीक है। उसको मैंने नीचे हिंट में भी दिया हुआ है, अगर आप असाइनमेंट को खोलोगे गूगल ड्राइव पे जाके तो मैंने उसका एक स्निपेट भी दिया कोड का। एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाओगे पहले डेटा को, से थोड़ा स्क्रॉल करोगे आप सर थोड़ा दिख जाएगा बच्चों को। योगेंद्र सर कौन सी फाइल है सर? वो यही सर, इसी फाइल में आप स्क्रॉल करोगे ना? नहीं, आप जो अभी खोल के बैठे थे उसी में नीचे मैंने दे रखा है, गूगल ड्राइव पे चल जाइए सर। अच्छा ओके जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, उसको स्क्रॉल कर दीजिए नीचे हिंट पे। अब आप देखिए, देखो नीचे आप थोड़ा सा सिलेक्ट कर दीजिए सर, हाईलाइट कर दीजिए इसको ऑर्डर्स को, ये वाला। हाँ नहीं, सिर्फ उसको लिस्ट को सर, ठीक है। ये देखिए मैंने मैन्युअली उस डेटा को एक लिस्ट ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको यूजर से इनपुट नहीं लेना है, ठीक है। आप जो मेरा पास हिंट दिया हुआ है लिस्ट ऑर्डर्स लिस्ट बनाई है, उस कोड को कॉपी पेस्ट करके आप लोग अज्यूम करिए कि मेरे पास सारा डेटा आ चुका है और फिर अपना लॉजिक लगाइए।
जितेंद्र एक बार ट्राई करिए, आपको सब कुछ अगर हिंट में मिल जाएगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा टॉपिक को, है ना। मैंने आपको हिंट भी दिया है, सबसे पहले जितेश एक बार ट्राई करो, उसको फॉर लूप से सॉल्व करो, एक बार जब हो जाता है तो फिर एक एक करके उसको मैप, लैम्डा या फिल्टर से कन्वर्ट करिए, ठीक है। सर एक दीपांशु तोमर है, वो कह रहे हैं कि सर कैन वी स्टोर अबाउट डेटा इन डिक्ट, वो अभी तो पढ़ाया नहीं अपन ने, पढ़ाया नहीं सर, उससे जो पढ़ाया उससे आपसे करना है उसको। सो दीपांशु जो अभी बताया गया बस उसी को, उन्हीं फंडामेंटल्स, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए इसको सॉल्व कीजिए, डिक्शनरी कल देखेंगे, है ना, कल मतलब मंडे को। सक्षम टफ असाइनमेंट है, थोड़ा सा सक्षम थोड़ा सा है टफ, मानता हूं मैं, ठीक है। टफ नहीं होगा तो तुम्हें मजा ही नहीं आएगा करने का, है ना। तो जैसे जैसे तुमने नोट किया, पहले दिन हम लोगों ने बहुत इजी आपको असाइनमेंट दिए थे, और जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं हम लोग असाइनमेंट का लेवल थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, उसी तरीके से तो आप लोग सीखोगे सक्षम। सो लोग कह रहे हैं कि सर असाइनमेंट 8 कब तक सबमिट करना है, तो मंडे तक। हाँ मंडे पूरे, दूसरी क्लास जब शुरू होगी उससे पहले कर देना, तो मंडे को अपनी नेक्स्ट क्लास है उससे पहले कर ले। ठीक है। सो जो जनरली जो असाइनमेंट्स का जो एक वो रहता है ड्यू, वो रहता है कि जब नेक्स्ट क्लास हो उससे पहले आप लोग जो है यू नो उसको सबमिट कर दें। सलोनी मुंबई से कह रही है इज टीचिंग सेशन ओवर, यस सलोनी टीचिंग सेशन इज ओवर। शैनन कह रहे हैं कि क्लास वॉज परफेक्ट, थैंक यू शैनन। पार्थ इंदौर से सर कैन वी लीव, अगर पार्थ कोई सवाल नहीं है तो आप जा सकते हैं, थैंक यू शैनन, आप भी जा सकते हैं इफ यू हैव नो क्वेश्चन। आशुतोष पांडे हैं गाजियाबाद से, वो कह रहे हैं सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। आशुतोष उससे रिकमेंड करिए कि सर आशुतोष हमारा एक नया सेशन शुरू होगा नेक्स्ट वीक से, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वो ज्वाइन करिए, उसमें बहुत सारे हम लोग आपको मिनी प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाएंगे, इस तरह के सवालों को सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। आप उसको प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, आपको फायदा होगा, उसकी डिटेल्स मंडे को आपको शेयर की जाएंगी। साई अटेंडेंस का इश्यू नहीं है, यू हैव द अटेंडेंस। सर आप एक एक बार क्वेश्चन ले लीजिए सर आप, है ना। हाँ 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 सो काफी सारे एक सर मेरा एक अनाउंसमेंट है सर, जितने भी बच्चे अभी बचे हुए हैं सेशन में अभी तक 300-350, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपना वीडियो ऑन ना करें। हम लोगों ने देखा है लोग वीडियो ऑन करते हैं, अपने बाल बनाते हैं, ऐसा मत करिए आप लोग, इससे सबको डिस्टर्बेंस होता है ना। और आपको बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग बार बार ऐसा करेंगे तो मुझे फोर्सफुली आप लोगों को फिर यहाँ से ट्रेनिंग से रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप वो चाहते हैं मैं ऐसा स्टेप लू, प्लीज आप ना करें ऐसी चीज। हाँ सर लीजिए सर। सो अमनदीप इंदौर से वो कह रहे हैं सर फाइल हैंडलिंग कब करेंगे, तो फाइल हैंडलिंग मंडे को देखेंगे, अमनदीप इंदौर से हैं, ठीक है। तुषार हैं सर असाइनमेंट 7 में हेल्प कर दीजिए, असाइनमेंट 7 को सॉल्व करेंगे लेटर ऑन तुषार, अभी आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। दूसरा गुंजन का एक सवाल है सर, डज रिड्यूस वर्क ओनली ऑन फंक्शन विद अर्थमेटिक ऑपरेशंस, नो ऐसा नहीं है गुंजन, बेस्ड ऑन द कंडीशन, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, यू नो यू कैन राइट एनीथिंग इन दैट, राइट। सक्षम अरोरा है वो कह रहे हैं कि सर लूप के साथ सर रिड्यूस फंक्शन यूज कर सकते हैं या नहीं। सो जनरली देखो लूप का तो जो रिड्यूस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सिंपली ये है कि एज लॉन्ग एज यू कैन प्रोवाइड अ सर्टेन फंक्शन टू रिड्यूस एंड द डेटा इट विल वर्क, चाहे आप उसको लूप के अंदर काम कर यूज करो, चाहे लूप से बाहर यूज करो, एज लॉन्ग एज यू आर पासिंग द राइट फंक्शन एंड डेटा इट विल वर्क, ठीक है। आकाश जायसवाल है सर फॉर मोर असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट हाउ वी कैन कॉन्टेक्ट यू, तो आकाश हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं, आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मंडे को उसकी डिटेल्स आएंगी, इट विल हैव मोर असाइनमेंट्स, मोर प्रोजेक्ट्स, मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स एंड हाउ टू यूज गिटहब, तो ये जो है मंडे को आपको बताया जाएगा, राइट, और वो प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद श्रीवत्सा बैंगलोर से हैं, वो कह रहे हैं सर टपल इज रीड ओनली, हाउ टू इंक्रीज द प्राइस बाय 10। ठीक है, सो टपल रीड ओनली है, यू आर राइट श्रीवत्सा, बट यू कैन रीड द वैल्यू, एड 10 टू इट एंड राइट दैट आउटपुट समवेयर एल्स, नॉट इन द टपल, राइट श्रीवत्सा। So you have to read the value, add 10 and write that added value somewhere else, not back to tuple. ठीक है? तन्मीत इंदौर से हैं, वो कह रहे हैं कि सर उनको tuple में डालना है सर, पर वो calculate किसी और में करनी है, फिर tuple में डालेंगे वो लोग। हाँ, तो tuple में वो typecast कर सकते हैं later। हाँ, बाद में डाल सकते हैं। So एक चीज, हाँ एक सवाल जरूर आया था, लोग कह रहे थे कि सर इस तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ लिस्ट, ठीक है, you have a list here like that 1 2 3 4, aap chahe to is tuple is list ko tuple mein jo hai typecast kar sakte hain, to kaise karenge tuple mein typecast, tuple and then list one, theek hai, is tarike se possible hai, theek hai, so now it becomes tuple, if you have tuple, अगर आपके पास टपल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल t इज इक्वल टू, यू हैव टपल 1 2 3 4 or 5 वट एवर, यू कैन यू नो टाइप कास्ट इज टू लिस्ट एज वेल, सो यू कैन से, सो दिस वे आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। तन्मीत कह रहे हैं इंदौर से हैं, वो कह रहे हैं सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द यूज ऑफ लैम्डा अगेन, सो लैम्डा को एक बार मैं फिर से समझाता हूँ तन्मीत, आप हो सकता है कुछ और लोगों को भी समझ में नहीं आया हो, एक बार फिर से आप देख सकते हैं उसके बारे में। देखो लैम्डा को लिखते कैसे उसको समझ लीजिए, लैम्डा कीवर्ड यूज किया उसमें तो कोई इशू नहीं है, नाउ लैम्डा के बाद आपको बताना होता है इनपुट क्या लेंगे यहां पे, सो यू हैव टू स्पेसिफाई द इनपुट, ठीक, फिर कॉलन आता है और फिर यहां पे लिखना होता है आउटपुट क्या होगा, रिटर्न क्या होगा, राइट, तो रिटर्न क्या करना, ठीक। जैसे मैं यहां पे लिखूं एक फंक्शन लैम्डा, लैम्डा लिखा और लेट से ये एक्स ले रहा है और रिटर्न में मैंने लिख दिया एक्स टू द पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक एनोनिमस फंक्शन हो गया जिसका कोई नाम नहीं है, राइट, लैम्डा फंक्शन है, एक्स ले रहा है और एक्स स्क्वायर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से हो गया। या फिर आप कुछ ऐसा लिख देते हैं, लैम्डा एस टी आर 1 इनपुट लेता है और आपको चेक करना है कि उस str में pur नाम का सब स्ट्रिंग है या नहीं, तो आप कैसे लिखेंगे, str1 इनपुट लिया और यहां पर कॉलन के बाद बताया जा रहा है कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दो बेस्ड ऑन कि उसमें pur str1 में है या नहीं, राइट, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर इसको देख, तन्मीत आई थिंक समझ में आया होगा अब आपको। वेंकट सुभाष हैं, सर कैन यू टेल मी द मिनी प्रोजेक्ट इन इंग्लिश अगेन प्लीज, तो वैसे सर वेंकट कह रहे हैं सर आई थिंक ही इज फ्रॉम चेन्नई और लाइक बैंगलोर, सो ही इज सेइंग दैट कैन यू एक्सप्लेन द असाइनमेंट इन इंग्लिश, सो ओके होल्ड ऑन वेंकट, सिल्वेस्टर विल टेक दैट। संदीप हैदराबाद से हैं, मेरे ख्याल से सर का एक बार डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार सर को टाइम दीजिए, है ना, ओके गाइस आई लॉस्ट द कनेक्शन एंड बैक, सो
अदिति कह रही है सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन रिगार्डिंग द रन फाइल एरर। अदिति आई थिंक तुम्हें अपने सिस्टम पर एक बार देखना पड़ेगा क्यों इश्यू आ रहा है। मेरे हिसाब से सर उसको बोल दीजिए एक बार वो क्या नाम है उसका, एक मिनट मुझे अदिति अदिति आप संदीप को बता दीजिए वो हेल्प करेगा आपको करने के लिए। हाँ अदिति प्लीज कॉन्टेक्ट संदीप, कोहोस्ट है वो भी कोहोस्ट है संदीप जैन, उससे कॉन्टेक्ट करिए वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। So, संदीप प्लीज चेक द इश्यू विद अदिति। अदिति एक बार अपना सवाल जो है वो संदीप को भेजिए, संदीप जैन, ठीक है, फास्क लिखा हुआ है आगे। नजरुल अहमद कह रहे हैं सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द टपल वन मोर टाइम। ओके नजरुल एक बार समझ लीजिए, मैं वापस से टपल के बारे में बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो नजरुल टपल्स आर रीड ओनली, ठीक है, दैट मीन्स यू कैन नॉट मॉडिफाई देम, ठीक, यू कैन नॉट मॉडिफाई देम। एंड हाउ टू डिफाइन अ टपल, लेट्स से टी टी इज द नेम ऑफ योर वेरिएबल, राइट, एंड नाउ देयर इज ए टपल डिक्लेरेशन, सो यूज यू नो पैरेंथेसिस, एंड नाउ 1 2 3 4 to, you know, certain values are there, kind of that. This is your tuple. You cannot make changes into the tuple. So let's say you try to do ki index 0 par agar pehle se 1 likha hua hai, now you want to write 10. So line number 152 kya keh raha hai? You're trying to change the value at index 0, which is 1 right now, to 10. So see this, if this works. We got the error, right? हमें error आ गई है, because it is not allowed. ठीक है? You cannot change the tuple once defined. It's not allowed. ठीक है? तो इस तरीके से जो है, यहाँ पर tuples are read only. This is not allowed here. ठीक? ये चीज़ यहाँ पे हुई है. I can call two functions on tuple. tt.index करके एक मेथड है विच विल टेल यू दैट व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ सर्टेन वैल्यू। सो लेट्स से आई से व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ वैल्यू 2, सो 2 पहली बार कहां पे आया है, यहां पे आ रहा है, तो ये तो इंडेक्स 0 है और ये हो गया इंडेक्स 1, तो हमें इंडेक्स 1 मिल गया। एक और मेथड होता है इसमें काउंट, तो tt.count, तो काउंट बताता है कि कोई वैल्यू कितनी बार आई है टपल में, राइट तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हम 2 का काउंट चेक कर रहे हैं, तो 2 कितनी बार आया है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, सो 3 टाइम्स वी हैव 2 एंड दैट्स व्हाई वी गेट द आउटपुट। ठीक है, तो ये एक चीज यहां पे हुई है। नाउ शुभम चेन्नई से हैं, वो कह रहे हैं कि सर एक बार असाइनमेंट फिर से बताया जा सकता है क्या? बिल्कुल बताएंगे। दिनेश सिंह दिल्ली से हैं, वो कह रहे हैं सर कैन वी डीबग अवर प्रोग्राम लाइक सी? यस वी कैन डीबग अवर प्रोग्राम लाइक सी इन स्पाइडर, राइट। पलक कह रही है सर कैन विल यू प्लीज एक्सप्लेन द यूज ऑफ रिड्यूस। सो बेसिकली जो पलक रिड्यूस का जो एडवांटेज है उसको हम लोग बिग डेटा हैंडलिंग में यूज करते हैं। तो बिग डेटा का मतलब क्या है? यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यू हैव टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ यू नो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है उस डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, उन पर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करो और बाद में जब रिजल्ट्स आ जाए तो उनको फिर से कंबाइन कर दो। ठीक है, तो मैप रिड्यूस जब यूज होता है तो रिड्यूस का पर्पज यही है कि बिग डेटा में से बड़े डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल के लाना, एंड दैट यूजफुल इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है, राइट। डेटा तो बहुत बड़ा है लेकिन काम की चीज उसमें बहुत कम है, तो वो किसके थ्रू परफॉर्म होता है? वो रिड्यूस के थ्रू परफॉर्म होता है। तो रिड्यूस का बेसिक एडवांटेज यही है कि रिड्यूस विल ऑलवेज रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, अ सिंगल ऑब्जेक्ट, राइट। सिंगल लिस्ट हो सकता है, सिंगल स्ट्रिंग हो सकता है, सिंगल वैल्यू, सिंगल इंट, सिंगल फ्लोट हो सकता है। सिंगल लिस्ट होगा तो लिस्ट में बाद में बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, वो कोई पॉइंट नहीं है, बट वो ऑब्जेक्ट सिंगल ही रिटर्न होगा। नजीरुल अहमद कह रहे हैं सर कैन डिफाइन स्ट्रिंग इन माई टपल, ठीक है, कैन आई पुट एनी डेटा टाइप इन टपल? ओके नजीरुल, यू आर इट्स अ गुड केस। सो फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग लाइक दैट, can I do something like that, Raman, right?
and then you have certain other value here. See this, if it is that the case. Yes, I can do that, right? So ye cheez yahan pe ho gayi hai. Hema Hitesh Krishna hain, wo keh rahi hai, sir, can you show examples of map, lambda and filter? So ek bar Hema kya kare, so what I would request you to watch our YouTube video that would be uploaded tomorrow morning. Kal tomorrow morning mein ye video upload hoga, ek bar isko khud se aap dekhiye, and if you have questions then you can ask, right? Ek bar khud se aap thoda sa dekh lijiye wahan jaake. Keshav Fagwada se hain, wo reduce ka puch rahe the, aur reduce mein already ek bar bata chuka hu. Safad aapka kya question tha ek bar mujhe batayenge. Priya, bilkul you can leave, thank you. Dinesh Singh Dali se hain, how to debug in Python? So basically dekho Dinesh, yahan pe dekho ye run button ke bagal mein other command hai na, yahan pe dikh raha hai, ye jo hai yahan pe jo chal raha hai debug file, ye dekh rahi hai yahan pe debug file, you know, ye sab debug ke step in step out, ye sare jo keys hain wo debugging ke liye hain. Dinesh Harman keh rahe hain, sir reduce function ko UDF पे यूज कर सकते हैं? UDF मुझे समझ में आया, हरमन बताएंगे क्या है मतलब. नसीरुल अहमद, यस यू कैन पुट एनी डेटा टाइप इन टपल. स्नेहा क्या कह रही हैं बताएं एक बार. माधुरी कह रही हैं कि सर देन व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ टपल. सो माधुरी, आई विल टेक द एप्लीकेशन ऑफ टपल इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? That will give you a better understanding. Generally people have this question that if they are read only then what is the use of tuples, but it has a very good use. I will tell you in the next class, Madhuri. Aniket Tripathi ho keh rahe hain ki sir why we use lambda, agar koi ek function ko multiple time use karna hai to lambda ke sath har bar use type karna padega. Yes Aniket, you are right, agar aapko koi function bar bar call karna hai to fir aap lambda use mat kijiye. Lambda to usi case mein use karna hai ki bas ek hi bar kuch kaam karna tha aur kaam khatam karke aage nikal gaye. Agar wo function bar bar aapko call karna pad raha hai kisi program mein, don't use lambda, alag se usko separate function banaiye. ठीक है. स्नेहा कह रही है सर प्लीज क्लियर माय डाउट, का क्या है एक बार बताएं स्नेहा. प्रतीक जयपुर से कह रहे हैं सर कैन वी प्रिंट फॉल्स कंडीशन यूजिंग लैम्डा. प्रतीक मुझे थोड़ा सवाल समझ नहीं आया है. पलक को समझ में आ गया है. श्रेयांश गुप्ता है महाराष्ट्र से, थैंक यू सर कह रहे हैं, थैंक यू श्रेयांश. अक्षय गोयल है, वो कह रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन रेगुलर एक्सप्रेशंस. रेगुलर एक्सप्रेशंस इस सीरीज का हिस्सा नहीं है अक्षय, नेक्स्ट टाइम कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताएंगे. सर हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑफ टपल्स, दैट वी कैन डू. सो बेसिकली क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ टपल्स इज समथिंग लाइक दैट शुभम, दैट यू क्रिएट अ लिस्ट लाइक दिस, राइट? And within the list you have tuple. So this is your first tuple, then you have another tuple, and then you have one more tuple. So it has three tuples, and within the tuples you have some values here, like 1, 2, 3, you know, 10, 20, 30, and so on. So this can be what, there are a lot of tuples in a list. स्नेहा कह रही हैं सर आई हैव अ डाउट, सर जो आपने कल रिमूव पढ़ाया था उसमें अगर कोई सिंबल या स्पेशल करेक्टर रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे? रिमूव जो पढ़ाया था स्नेहा वो लिस्ट से पढ़ाया था, और आपका जो सवाल रिलेटेड है वो स्ट्रिंग से रिलेटेड है एक्चुअली. तो स्ट्रिंग से रिमूव नहीं कर सकते, उसको सिर्फ स्किप किया जा सकता है, राइट? उसको सिर्फ स्किप कर सकते हैं कि आप किस तरीके से उसको हैंडल करोगे. मनीषा कह रही हैं सर सर प्लीज एक्सप्लेन मैप वंस. तो मैं देखिए यहाँ पे मनीषा, इसमें मैप का बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल आपको उस टाइम पे मैंने दिया था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा मैप का मैं फिर से कुछ लेता हूँ यहाँ पे. सो दिस इज मैप, मैं यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन भी साथ साथ लिख रहा हूँ, और यहाँ लेट्स से एक पैरामीटर लेता नेम, और
रिटर्न कर देता है उस नेम का लेंथ, ठीक है, और ये जितने भी नेम है वो एक लिस्ट में लिख दिए मैंने, तो लिस्ट में मैं एक बना रहा हूँ, लिस्ट में लिस्ट भी यहीं की यहीं लिख देता हूँ, जैसे राम और श्याम, ठीक, और इस पूरे को हमने टाइपकास्ट कर दिया है, ये देखो यार, बेसिकली यहां पे क्या हुआ स्नेहा, मैप इज टेकिंग टू पैरामीटर, वन पैरामीटर इज दिस एक्सप्रेशन या एक फंक्शन जो यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, ये रहा, इसमें क्या हो रहा है, इट विल टेक अ नेम एंड रिटर्न द लेंथ, सो व्हेन द मैप यू नो इज वर्किंग, फर्स्ट नेम वुड बी राम, देन इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ राम, एंड द सेकेंड नेम वुड बी श्याम, देन इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ श्याम, सो पहले राम को लिया, उसकी लेंथ निकाल दी, क्यों निकाल दी लेंथ, बिकॉज यहाँ पे हम लेंथ निकालने का ही काम कह रहे हैं उससे, फिर श्याम लिया, फिर उसकी लेंथ निकाल दी, एक तरह से मैपिंग जो हो रही है, मतलब एक तरह से अप्लाई दिस एक्सप्रेशन, मैप का मतलब क्या हो गया, अप्लाई दिस एक्सप्रेशन ऑन एवरी आइटम, तो राम पे भी अप्लाई होगा और श्याम पे भी अप्लाई होगा, इसने आप मनीषा आपका सवाल मैंने ले लिया है, हिमांशु राजपूत हैं, सर प्लीज टेल मोर अबाउट वेरियस लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन, तो हिमांशु आप एक काम कर सकते हैं, W3 स्कूल पे या फिर गीक फॉर गीक पे एक बार जा सकते हैं, ठीक है। कीर्ति जालंधर से कह रही है कि सर लाइक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन इज देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग कॉम्प्रीहेंशन, नहीं स्ट्रिंग कॉम्प्रीहेंशन तो कोई नहीं है कीर्ति, हाँ डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन जरूर होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना, स्ट्रिंग के केस में नहीं है। सफ़द कह रहे हैं कि सर कॉम्प्रीहेंशन का यूज करके लिस्ट में से एक एक आइटम को रिमूव करने का प्रोग्राम समझा दीजिए, सफ़द ये ऐसा जनरली हम लोग नहीं करते हैं, अगर आपको लिस्ट में से आइटम रिमूव करने हैं तो कल मैंने आपको व्हाइल लूप का एग्जांपल समझाया था, वो आप समझिए ना, ओके। हरमन कह रहे हैं सर यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके ओके सर UDF मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये तो यार ये काफी कॉलेज की लैंग्वेज अलग होती है, हम लोग कॉलेज से पास आउट हुए बहुत टाइम हो गया, एनीवे ठीक है, सो UDF मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यस, तो रिड्यूस में भी आप यूजर डिफाइंड फंक्शन अपना खुद का एक मेथड लगा सकते हैं। देवांश अग्रवाल कह रहे हैं कि सर प्लीज एक्सप्लेन मैपिंग फिल्टर रिड्यूस लैम्डा बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, देवान सिंपल सा पॉइंट है, आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं यूजिंग लूप, लूप के थ्रू आप लिस्ट में डेटा एंटर करवा लीजिए, कल भी मैंने आपको बताया था ये चीज, और फिर उसके बाद आप उस पर चाहे मैप लगाओ, चाहे फिल्टर लगाओ, चाहे रिड्यूस लगाओ, राइट, तो पहले लूप के थ्रू आप जो है वो लिस्ट को पॉपुलेट कर लीजिए, उसमें इनपुट ले लीजिए, ठीक है। स्नेहा कह रही है सर हाउ टू रिमूव स्पेशल कैरेक्टर यूजिंग रिमूव मैथड, स्नेहा रिमूव मेथड नहीं है स्ट्रिंग के केस में, ठीक है, आप सिंपली जो है आप इसको जो समझ नहीं पा रही है शायद वो कुछ इस तरीके से मैं जहां तक समझाने की कोशिश करूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ है नेम इज इक्वल टू कुछ इस तरीके का नाम यहां पे आ रहा है जैसे डॉलर राम, ये आपका नाम है, इसमें से आपको डॉलर रिमूव करना है, राइट, तो डॉलर रिमूव इसमें ऐसे नहीं होगा, दो काम कर सकते हो आप, ठीक है, एक तो ये काम कर दीजिए कि नेम में इंडेक्सिंग इस तरीके से यूज कर लीजिए कि आपको डॉलर आया ही नहीं, तो जैसे मैंने ये लिख दिया, मैंने इंडेक्सिंग कहां से चालू की है, वन से, तो डॉलर किस इंडेक्स पे है, जीरो पे है, तो जब वन से करेंगे तो उसमें आएगा ही डॉलर, राइट, तो इस तरीके से आप उसकी हैंडलिंग कर सकती हैं, राइट, और इसको आप किसी और नेम में आप स्टोर कर लीजिए, जैसे आपने नेम इज इक्वल टू नेम ये कर दिया था, अब वो डॉलर रिमूव हो गया, ऐसे पॉसिबल है, ठीक है, या फिर रिप्लेस को यूज कर सकते हैं, रिमूव नहीं है वहां पर। तन्मीत इंदौर से सर कैन वी यूज मोर देन टू वेरिएबल रिड्यूस फंक्शन, नहीं तन्मीत ऐसा नहीं है,
कविता प्रभु है वो कह रहे हैं could you please tell do we have to write two separate codes to get output in assignment 8? नहीं कोड तो एक ही होगा कविता. श्रेयांश गुप्ता कह रहे हैं महाराष्ट्र सर उसका आउटपुट दो दे रहे हैं सर. जो लेंगे वो एक तो डिक्शनरी लेने वाला हूं मैं नेक्स्ट डिक्शनरी और उसके बाद मैं सेट लूंगा और फाइल हैंडलिंग तीन टॉपिक होंगे. श्रेयांश सिल्वेस्टर सर कुछ कह रहे थे आप. ये बोल रहा था कि जो क्वेश्चन है उसमें आउटपुट दो बार करना है प्रोग्राम एक ही बनेगा आउटपुट दो है. हाँ कोड तो एक ही लिखा जाएगा. शुभम सेठ कह रहे हैं कि सर हाउ टू यूज व्हाइल लूप एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. जनरली मैंने कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं देखा है शुभम तो आई थिंक इट इज नॉट रिकमेंडेड. आई वॉन्ट से कि कर नहीं सकते बट मैं आई हैव नेवर गोन थ्रू सच ए एग्जाम्पल जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में व्हाइल लूप यूज किया है. ओके लिस्ट ऑफ रिड्यूस को यूजर डिफाइंड फंक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं. कैन फिल्टर मेथड यूज फॉर एनी डेटा टाइप. खुशी पटेल यस वी कैन डू दैट. सुरेश कह रहे हैं सर थैंक यू सर टुडेज क्लास इज परफेक्ट. थैंक यू मनीषा थैंक यू कह रहे हैं थैंक यू. शुभम चेन्नई से कह रहे हैं कि सर कैन वी यूज इफ कंडीशंस इन लैम्डा. यस वी कैन यूज इफ कंडीशंस इन लैम्डा. इफ और एल्स को लैम्डा में यूज किया जा सकता है. शुभम स्टैक ओवरफ्लो कर लेना एक बार आप बट दैट इज डूएबल वी कैन डू दैट. खुशी पटेल सर सर यू हैव यूज फिल्टर फॉर ओनली बूलियन कंडीशन कैन वी यूज फॉर अनदर. नो खुशी इसको बूलियन कंडीशन के लिए यूज किया जाता है ट्रू फॉल्स के लिए ही. अभिषेक भुवनेश्वर से हैं सर वो कह रहे हैं कि सर हाउ टू एक्सेस स्पेसिफिक आइटम इन लिस्ट यूजिंग फोर. इंडेक्स को यूज कीजिए अभिषेक फोर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें आपको राइट. अर्नव कुशवाहा कह रहे हैं कि सर व्हाट इज द स्टैक ओवरफ्लो. सो बेसिकली स्टैक ओवरफ्लो एक साइट है अर्नव राइट जहां पे आप जाएंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ब्राउजर है मेरा और यहाँ पे जैसे मैं कुछ करता हूँ सर्च करता हूँ पाइथन में यूजिंग using reduce in python ठीक है. ये मेरा query है so this is my query so let's search for this. तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे search results आए हैं. what I'm looking for is स्टैक ओवरफ्लो. एक साइट देखते हैं क्या स्टैक ओवरफ्लो यहाँ पे है. अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है. ये रहा लास्ट में देखेंगे अब यहाँ पे आया है स्टैक ओवरफ्लो डॉट कॉम हाउ टू यूज फिल्टर मैप एंड रिड्यूस. सो इस पे क्लिक किया नाउ यहां पे देखेंगे बेसिकली किसी बंदे ने एक सवाल पूछा है हाउ टू यूज फिल्टर मैप रिड्यूस इन पाइथन 3 सात साल पहले. बहुत सारे लोगों ने उसका जवाब दिया है. सो मैनी पीपल हैव आंसर्ड दिस. तो देखिए किसी ने इसको आंसर किया है पांच लोगों ने आंसर किया है इसको. फाइव पीपल हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. किस आंसर को सही मानू. उस आंसर को सही मानो जिस पर ये चेक मार्क लगा हुआ है ग्रीन वाला दिस मार्क. इसका मतलब क्या है कि पूछने वाले ने इसको सही बताया है. पूछने वाले ने इस आंसर को वेरीफाई किया है. पूछने वाले ने कहा है कि यस दिस आंसर वर्क्ड फॉर मी. सो दिस इज हाउ यू यूज स्टैक ओवरफ्लो. इट्स अ वेरी गुड साइट. अगर डेवलपर बनना है कंप्यूटर साइंस से हो और टेक्निकल डोमेन में जाना है अर्नव तो स्टैक ओवरफ्लो को यूज करना जरूरी है. मतलब काफी चीजें यहाँ पे आपको अच्छी मिलेंगी. अर्नव अब आपको मैंने स्टैक ओवरफ्लो बता दिया तो आपका ये जो सवाल है प्लीज गिव अ एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप फॉर टेकिंग यूजर इनपुट.
ये मैंने कल बताया था अर्नव, वैसे आप एक बार स्टैक ओवरफ्लो कीजिए। नेस्टेड फॉर लूप कीर्ति जालन, जो जालंधर से हैं, यस नेस्टेड फॉर लूप का यूज किया जा सकता है, नो नो नॉट इश्यू, राइट। अखिल सही कह रहे हो आप, नेम डॉट रिप्लेस, यस यू आर राइट। दिवेश साही हैं, वो कह रहे हैं सर कैन वी गो, यस थैंक यू। सफर धनन, कैन आई लीव, यस यस सफर थैंक यू। आशुतोष पांडे गाजियाबाद से कह रहे हैं कि सर इट्स वेरी हेल्पफुल एंड इट्स लाइक कोरा, यस इट्स लाइक कोरा, स्टैक ओवरफ्लो के बारे में कह रहे हैं वो। हर्ष गोस्वामी कह रहे हैं कि सर प्लीज समथिंग अबाउट गिटहब, गिटहब के लिए हम लोग एक अलग से सेशन लेके आने वाले हैं हर्ष, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका कुछ रजिस्ट्रेशन फीस है, कुछ 100 या 150, बहुत मिनिमल रजिस्ट्रेशन फीस है, 150 रुपये कुछ है। उसमें 4-5 दिन का वो प्रोग्राम होगा और उसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, 100 रुपये या 150 रुपये का है, ठीक है। उसकी डिटेल्स आपको मंडे को मिलेंगी। हरमन कह रहे हैं कि थैंक यू सर फॉर द सेशन, सेशन वॉज फैंटेस्टिक, थैंक्स सर, अर्णव थैंक यू। आशुतोष आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल फीस पे हम लोग ले रहे हैं, 100 या 150 रुपए है, इट्स वेरी, और उसका कंटेंट बहुत बहुत डिटेल में आपको मिलेगा उसमें, गिटहब और प्रोजेक्ट्स और यू नो और काफी सारी चीजों के बारे में बताएंगे। मोहम्मद अमार कह रहे हैं थैंक यू सर। मीनाक्षी हैं, सर प्लीज लेट अस नो ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट गिटहब, यस मीनाक्षी गिटहब का सेशन होगा, वो सेशन जो है उसके लिए जो आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा उसका कुछ आई थिंक देयर इज अ रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ओनली 100 or 150 rupees, यू कैन यू नो यू कैन ज्वाइन, सो 150 rupees वुड बी द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर दैट, यू कैन ज्वाइन दैट। मोहम्मद उमार कह रहे हैं कि सर 150 रुपये बहुत बेस्ट प्राइस है। मोहम्मद वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, 90% डिस्काउंट उसमें है, बट वो फर्स्ट टाइम हम लोग ऑफर कर रहे हैं, इट इज ओनली 150, नॉट अ बिग डील फॉर एनीवन, कोई भी पेटीएम कर सकता है, ठीक है। आशुतोष कह रहे हैं कि सर हर किसी को ज्वाइन करना चाहिए, वो सबका अपना चॉइस है आशुतोष। वो जबरदस्ती नहीं है किसी से। Okay guys, I think we are done for today. And Ramzan Ali keh rahe hain ki sir happy to know about the new course. Yes, new course is coming. It would be called as a Prime series, Python Prime series. Premium bole hai uska. Premium series hai, so wo aap join kar sakte hain. Sachin keh rahe hain ki sir I have missed your last class, so please give me the fast lecture minutes starting till today. सचिन मैं आपको रिक्वेस्ट करेंगा, जो यूट्यूब चैनल है हमारा फास्ट कोडिंग स्कूल के नाम से, वहां पे जाइए, ऑल ऑफ दीज लेक्चर्स आर ऑलरेडी पब्लिश्ड, ऑलरेडी अपलोडेड, ये रिकॉर्डेड सेशन वहां पे है, आप उसको जाकर के ज्वाइन कर। यास्मीन है वो कह रही है थैंक यू सर फॉर द सेशन, थैंक यू यास्मीन। निधि है वो कह रही है थैंक यू सर, थैंक यू निधि। मेघा साहिब, सो आई थिंक मेघना अग्रवाल सतना से हैं, थैंक यू मेघना। रोहित रावत हैं, उन्होंने रोहित अब थोड़ा खुद से कोशिश कीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके गाइज, रितु हैं धनोतिया मंदसौर से, थैंक यू सर फॉर टीचिंग, थैंक यू रितु, अच्छा लगा आप लोगों को, अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। मंदसौर कितना बड़ा सिटी है रितु, बताएंगे कितना बड़ा है मंदसौर? आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, व्हाट इज द नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी रितु? मंदसौर, अच्छा मंदसौर के नाम से ही है, नितेश भी मंदसौर से हैं। ओके, क्या ये बड़ा शहर है, इज इट अ बिग सिटी? ओके डिस्ट्रिक्ट है, ओके, चलिए गुड। आई हैव नेवर बीन टू एमपी।
बट आई वॉन्ट टू बी भोपाल, एक बार देखना मुझे. मोहम्मद उमर कह रहे हैं सर आपकी आवाज ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है. थैंक यू मोहम्मद. अरे यार अच्छी बात है. मुर्तजा मंदसौर से कह रहे हैं सर प्रीमियम सीरीज कब से स्टार्ट होगी? प्रीमियम सीरीज की डेट आपको जल्दी दी जाएगी मुर्तजा, यू कैन ज्वाइन दैट. वैभव कृष्णा है जयपुर से. वैभव कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? थैंक यू सर फॉर योर प्रेशियस टाइम. नितेश कह रहे हैं सर कुछ दिन गुजारिए मंदसौर में. अरे भैया रुकवा दोगे? हम लोग बिल्कुल रुक जाएंगे. तुम्हारी यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए बुला लेना, वहां आ जाएंगे एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए. इट इज फेमस फॉर पशुपतिनाथ टेम्पल. ओके गॉट इट. विजयराज कह रहे हैं मंदसौर से हैं. ओके ओके ठीक है. अच्छा वैभव कृष्णा मणिपाल यूनिवर्सिटी से हैं जयपुर से. मुर्तजा कह रहे हैं कि सर मंदसौर आइए. थैंक यू मुर्तजा. सभी लोग कभी आएंगे तो बिल्कुल मिलेंगे. निखिल कोथी फोड़ा है चेन्नई से. वो कह रहे हैं सर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड. थैंक यू निखिल. एंड वी आर लिटिल कंसर्न्ड अबाउट लाइक द लैंग्वेज ऑफ यू नो टीचिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज यू नो हिंदी. और चेन्नई के लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है. वी कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर कंफर्टेबल विद देयर नेटिव लैंग्वेज तमिल. बट आई एम सॉरी निखिल, मुझे तमिल नहीं आती है. आती तो मैं आपको जरूर बोलता. सो थैंक यू. ऐसे कुछ लोग आज था सर, नॉर्थ वाले नॉर्थ इंडियन लोग दिल्ली से कुछ था रिक्वेस्ट की इंग्लिश में बोली है. बट मेरे ख्याल से अपन लोग का अजम्पशन है कि हिंदी तो सब लोग जानते ही होंगे सर. हाँ 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 हाँ. मोहित अग्रवाल है वो कह रहे हैं कि सर लर्निंग एक्सपीरियंस हैज बीन रियली ग्रेट. थैंक यू फॉर टीचिंग इन सच अ गुड वे. थैंक यू मोहित. कौन सा कॉलेज है आपका मोहित? अमनदीप इंदौर से कह रहे हैं कि सर इंदौर भी आई है सर कभी. आई वेलकम यू इन द क्लीनेस्ट सिटी इंदौर. यस क्लीनेस्ट सिटी तो है लेकिन अभी तुम्हारे यहाँ पे कोरोना ने एकदम साफ सफाई अच्छी कर रहा है. वो भी ध्यान रखिए और सेफ्टी मेजर्स लीजिए अमनदीप. जल्दी हालात सही हो जाएंगे, डोंट वरी. अच्छा मोहित मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से हैं. थैंक यू. Yes, Amandeep will come to Indore sometime. We'll plan a ki pehle Mandsaur aur kuch yahan pe bhi kuch achhi universities hain wahan aayenge. Road show karne aayenge tumhare yahan pe Mandsaur mein, Bhopal mein, Indore mein. Meenakshi jo hain Lucknow se hain, wo keh rahe hain sir muskuraiye aap Lucknow mein hain. Haan ye hoarding to maine khoob dekhi hai Meenakshi. मैं कभी लखनऊ गया नहीं हूँ लेकिन मैं तो गांव के स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, उसके आसपास ही बस था. जयपुर आ गया वहां से. मुर्तजा कह रहे हैं कि सर मशीन लर्निंग पे पाइथन के लिए बेस्ट सोर्स कौन सा है सीखने के लिए? कुछ मशीन लर्निंग के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हैं मुर्तजा, आप उनको ट्राई कर सकते हैं. सर अपनी पूरी सीरीज है, एक फ्री सीरीज है सर उस पे 5 दिन की. फ्री सीरीज है मशीन लर्निंग की मुर्तजा, यूट्यूब पे है, फास्ट कोडिंग स्कूल पे है, वहां पे जा सकते हैं आप. वो हमने फैकल्टीज के लिए चलाई थी, टीचर्स के लिए. राजस्थान में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज की टीचर्स है उनके लिए किया था हमने वो प्रोग्राम, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं. निधि अग्निहोत्री है वो कह रही है सर मैं गोरखपुर से हूँ. अरे वो तो योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ है. निधि थैंक यू. निखिल ओके ओके चेन्नई में. ओके फाइन. सो ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं मंडे को. ध्यान रखिए. थैंक यू. सर चैट सेव कर लीजिए. कर लिया सर. याश्मीन है वो कह रहे हैं सर नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करने के लिए आप प्लीज इन्फॉर्म कर दें. योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड. थैंक यू याश्मीन. बड़ा एक्वर्ड लगता है जब मैं अपनी बड़ाई खुद पढ़ के दूसरों को सुनाता हूँ. बट एनीवे थैंक यू.